हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर फोर्थ, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। अब YDSE का कॉन्सेप्ट बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, वो उसके फॉर्मूले रटते हैं और एग्जाम में जाके इसके आसान आसान सवाल कर लेते हैं, और जहां कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है वहां पे तोते उड़ जाते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, आज की वीडियो में YDSE का एकदम बढ़िया से फील आपके दिल में उतार देंगे टॉपिक एकदम। फॉर्मूले वॉर्मूले सब याद हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करा देंगे, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी करा देंगे, मजा आ जाएगा आज के लेक्चर में। शुरू करें तो यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटिफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। निकालो कॉपी और पेन, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE। 1801 में ये साइंटिस्ट थे थॉमस यंग, ये अपना एक मॉडल लेके आए, यंग्स डबल होल मॉडल, जिसको बाद में उन्होंने बोला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल होल मॉडल। अब 1801 इस टाइम पे लाइट को वेव एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लाइट को अभी भी कंफ्यूजन था कि पार्टिकल है कि वेव है, लाइट पार्टिकल है कि वेव है, पर इनका एक्सपेरिमेंट एक ब्रेक थ्रू था जिसने प्रूफ किया कि लाइट वेव है। कैसे? कहानी शुरू करते हैं। यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? इसके फोकस पे सोर्स को रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे सोर्स को रख दिया, तो फोकस से जो लाइट आई वो पैरेलल हो गई, बस इतना ही काम था। यहां कहानी स्टार्ट हुई। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया और उसमें दो बहुत ही पतले पतले स्लिट बनाए, छेद बनाए, वेरी थिन स्लिट्स, और इनके बीच का सेपरेशन भी बहुत कम था। ठीक है, अच्छा सोचो, यहां पे ऐसे एक कार्डबोर्ड रखा है, इसमें पतला पतला छेद किया, एकदम पतला पतला ऐसे स्लिट की बनाया, ऐसे छेद कर दिया कार्डबोर्ड में, बहुत पास पास, बहुत पास पास, पीछे इसके सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है। अब अगर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर ये बात सच है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और वहां सामने एक स्क्रीन रखी है, तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जहां पे स्लिट है इसके सामने जाकर स्क्रीन पे ब्राइटनेस होनी चाहिए और बाकी पूरी स्क्रीन पे डार्कनेस होनी चाहिए। बोलो एग्री करते हो? ये कार्डबोर्ड है, ये एक स्लिट, ये एक स्लिट, ये लाइट आई तो इसके एकदम सीधे जाके इस जगह पर ब्राइट स्पॉट होना चाहिए, बीच में डार्क रहना चाहिए, वहां तो लाइट नहीं पहुंचेगी, और अगल बगल भी डार्क रहना चाहिए, भाई शेडो बन जानी चाहिए कार्डबोर्ड की, और बीच में ऐसे यहां पे दो लाइन दिखनी चाहिए, है कि नहीं? पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि ये जो दो स्लिट बनाए थे, इसके जो बीच में जगह है, ये जो बीच में जगह थी दो स्लिट्स के, इसके सामने वहां पे ब्राइट स्पॉट था, वहां पे लाइट पहुंच रही थी। सोचो, आप ऐसे इमेजिन नहीं होता ये, पर याद रखना स्लिट्स आर वेरी थिन, बहुत पतली पतली स्लिट हैं और बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम है। ये लाइट रेज आई, स्लिट से पास हुई, तो सामने ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए, जहां से छेद से लाइट गई है सामने ब्राइटनेस दिखनी चाहिए, और बीच में तो डार्क होना चाहिए और अगल बगल भी डार्क होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं भाई। हुआ यूं कि बीच में भी ब्राइट स्पॉट था, उसके बगल में डार्क, बगल में डार्क, उसके बगल में ब्राइट, उसके बगल में ब्राइट, फिर डार्क डार्क ब्राइट ब्राइट, ये बना स्क्रीन पे, ये बना सेंटर में, इसके सामने बना ब्राइट, उसके बगल में डार्क, उसके बगल में ब्राइट, उसके बगल में डार्क, इधर भी सेंट्रल में ब्राइट, बगल में डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट, फ्रिंजेस बन गए। क्या बन गए? फ्रिंजेस। अब यार, अगर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन वाली बात सही थी, अगर लाइट एक पार्टिकल है जो कि एकदम सीधा सीधा चल रहा था, तो सामने सामने जाके ब्राइट होना चाहिए था और बाकी हर जगह डार्क, सिर्फ इस छेद के सामने वाले पोर्शन में ब्राइटनेस होनी चाहिए। यानी यंग्स के एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ कर दिया दैट लाइट डज नॉट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन तभी तक सही है जब तक ऑब्जेक्ट्स बड़े बड़े हो, जैसे लेंसेज, मिरर्स, तब ये बात सही थी। जहां ऐसे कोई स्लिट्स आ जाए, इन स्लिट्स का जो डायमेंशन है वो लाइट के वेवलेंथ के पास पहुंच जाए, तब लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तब लाइट अपना स्ट्रेट लाइन होता तो सामने ब्राइट बनता, बाकी डार्क, ऐसा नहीं हुआ।
लाइट इज नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल एज सर आइजक न्यूटन सेड कि लाइट कॉर्पस्कल से बना है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं। इस थ्योरी ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी एक बार में और बोला भैया लाइट वेव है। अब सर वेव कैसे समझे, देखो क्या हुआ होगा, यहां से दो वेव निकली, अब जहां जहां वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का लेक्चर देखा है ना, वेव ऑप्टिक 03, इसका प्रीवियस लेक्चर है, यूट्यूब पे टाइप करो वेव ऑप्टिक 03 इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, जहां जहां वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां वहां ब्राइट स्पॉट, और जहां जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां वहां डार्क स्पॉट। समझ में आया, यानी यहां से निकलने वाली लाइट पार्टिकल नहीं वेव्स थी। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन तब तक सही है जब तक ऑब्जेक्ट की साइज लाइट की वेवलेंथ से बहुत बहुत बड़ी है। अगर अपर्चर या होल की साइज, अपर्चर या होल का डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ के आसपास पहुंच जाए तब भैया स्ट्रेट लाइन वाली थ्योरी खत्म। यहां से वेवलेट्स निकली, ऐसे वेवलेट्स निकली, ऐसे ट्र ट्र, ऐसे देखो बनाता हूं ऐसे ट्र 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 ट्र। अब जहां पे वेवलेट्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे बनेगा ब्राइट स्पॉट, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां बना डार्क स्पॉट। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट proved the wave nature of light. अरे ये तो बहुत ही छोटी सक्सेस थी, इस थ्योरी ने तो क्वांटम मैकेनिक्स को बर्थ दिया था, इस थ्योरी ने क्वांटम मैकेनिक्स की बिगनिंग की थी। बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है थॉमस यंग का, कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइजक न्यूटन से छोटे साइंटिस्ट नहीं, बहुत बड़ी डिस्कवरी है। आज से 100 साल बाद लोग इनको मानना स्टार्ट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स अभी नई है लोगों के लिए, ये स्टार्टिंग है क्वांटम मैकेनिक्स की। ये जो हो रहा है ना ये बहुत अजीब है, जरा तुम सोच के देखो कि तुम्हारे, थोड़ा समय खाऊंगा मैं, सोच के देखो यहाँ एक कार्डबोर्ड है, उसमें दो छेद हैं, स्लिट्स हटाओ, दो होल्स हैं, तुम्हारे हाथ में बॉल्स हैं, तुम बॉल को इस होल से फेंको तो सामने जाके लड़नी चाहिए और इस होल से फेंको तो सामने जाके लड़नी चाहिए, पर ये एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि बॉल इस होल से फेंकने पे कहीं पे भी जाके लड़ सकती है बोर्ड पे, लाइट कहीं भी पहुंच जा रही है। बीच में जहां पे ये जो कार्डबोर्ड है यहां पे भी लाइट पहुंच रही है, ब्राइट स्पॉट तभी तो बन रहा है। हाँ सर, अब बॉल और लाइट में डिफरेंस है। यही क्वांटम मैकेनिक्स की बिगिनिंग है भैया। इलेक्ट्रॉन ने भी एक्सपेरिमेंट दिखाया, इलेक्ट्रॉन भी ये फिनोमेना दिखाता है। हाय हाय हाय, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है सर, तभी तो इलेक्ट्रॉन भी वेव में आया। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये। दिमाग खराब हो रहा, क्या क्या बता रहे। अच्छा एनीवेज, इस थ्योरी ने प्रूफ किया कि लाइट इज अ वेव। हाउ? यहां एक सोर्स ऑफ लाइट, कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम है, फोकस पे सोर्स रख दो, लाइट को पैरेलल कर दिया, ये लाइट स्लिट्स में निकली, दो पतले पतले स्लिट से, हमने सोचा सामने जाके ब्राइट बनना चाहिए, जहां से लाइट निकली वहां ब्राइट, बाकी में डार्क, पर ऐसा ना हुआ, बीच में भी ब्राइट बना, उसके बगल में डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, और फ्रिंजेस बन के सामने ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। अब डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स आ रहे हैं, कुछ आप यहाँ पे प्रिकॉशंस लोगे, है ना, कुछ यहाँ पे कंडीशंस होंगी, पर कंडीशंस लगाने पे ऐसा हुआ। इसको चाहो तो आप घर में भी कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है, देखो क्रोम मतलब होता है कलर, मोनो मतलब सिंगल, यानी सिंगल कलर की लाइट यूज करना है इस एक्सपेरिमेंट में। नॉर्मल वाला बल्ब नहीं यूज कर सकते कि व्हाइट लाइट दे देने, एक सिंगल कलर का बल्ब हो, रेड लाइट दे, वायलेट लाइट दे, ग्रीन लाइट दे, मतलब सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, तब ये एक्सपेरिमेंट बढ़िया से सक्सेसफुल होगा। जबकि मैं आपको बता दूं 1801 में यंग्स डबल होल जो पूरा सेटअप था वो व्हाइट लाइट पे किया गया था, वहां से उनको दिख गया कि ये चीज होगी। आज की डेट में एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमैटिक से किया जाता है, एक सिंगल कलर की लाइट पे ये एक्सपेरिमेंट बढ़िया से होगा। इसको आप घर में भी कर सकते हो, लेजर लाइट होती है जिससे तुम मतलब उनको परेशान करते हो इस तरीके से करके, हाँ वही लेजर लाइट ले लो, एक शीशे का टुकड़ा ले लो, कांच का टुकड़ा, ठीक है, फिर धूप बत्ती होती है घर में, अगरबत्ती धूप बत्ती, उसके ऊपर शीशे के टुकड़ों का ऐसे 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 घुमा लो तो उस पर काला 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 जम जाएगा, है ना, कार्बन जम जाएगा ना, शीशे के टुकड़ों का ऐसे ऐसे कर लो, कार्बन जम गया। अब माचिस की तीली से उस पर ऐसे ऐसे दो लाइन खींच दो बगल बगल, ये मान लो शीशे का टुकड़ा है, इसे पूरा पूरा काला काला जम गया है, ठीक है। अब माचिस की तीली से ऐसे एक लाइन खींचो, उसके बगल में ऐसे एक लाइन, एकदम बगल में, एकदम बगल में, ये तो हमने मैग्नीफाइड बनाया, असल में तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, 1 मिलीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, और माचिस की तीली से स्लिट बना है, ऐसे हल्का हल्का दिखेगा, इसे सफेद सा जिससे उस तरफ दिख रहा हो। अब इधर से लेजर लाइट लगाओ पीछे से,
सामने एक स्क्रीन रख दो, लाइट ऑफ कर दो, आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा स्क्रीन। आप चौक जाओगे, आपको लगेगा ये लाइट तो इन दो स्लिट से जानी चाहिए थी, पर लाइट तो स्लिट से गई, आगे जाके ऐसे ऐसे आपस में मिलके वहां पे एक पैटर्न बना रही है। ये तभी पॉसिबल है व्हेन लाइट इज वेव, लाइट इज नॉट पार्टिकल व्हिच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नो, आया मजा, फील आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसकी कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स में चलेंगे, अब वो तो थोड़ा मैथ्स होगी, मेन कहानी यही थी, फील हो गया। सोचो अगर लाइट पार्टिकल होता तो क्या होता, ये बता दो तुम्हारा, अगर लाइट पार्टिकल होता तो क्या होता, इसके सामने ब्राइट बनता बाकी में डार्क। आपने लेजर लाइट लगाई, शीशे पे काला काला कार्बन चिपकाया, माचिस की तीली से दो पतले पतले स्लिट बनाया, ऐसे ऐसे लाइन खींच दी और यहां से लाइट गई, सामने रेड रेड बनना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ, रेडी होती लेजर लाइट ना, ऐसा नहीं हुआ, बीच में भी रेड बन रहा था, बीच में भी ब्राइट स्पॉट दिख रहा था हमें, समझ में आया, लाइट ऐसे चल के बीच में भी जा रही है, मतलब क्या वेव्स जा रही है। ये इसको यार ऐसे भी समझाया जा सकता है, कैसे, मान लो कि लाइट पानी जैसा है, पानी पानी ऐसे डाल दो तो ऐसे करके ऐसे नहीं जाता, ऐसे पानी कैसे से करके, तो पानी जैसा बह रहा है, वेव जैसा, फील हुआ। चले हम इसकी कैलकुलेशन वगैरह समझे। अच्छा, कहां पे ब्राइट बनेगा, कहां पे डार्क बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पिछला वीडियो देखा है, पार्ट डिफरेंस का बताना है बस, इसको मिटा दें, नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ मैं जान रहा हूँ थोड़ा सा समय गया है, पर आपको फील आ गया होगा YDSE का। Okay, so now you got the feel. What does this experiment proves? It proves wave nature of light. बच्चे रट के जाते हैं, इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया, उसने अरे दिख रहा है, इट प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ लाइट। अब सुनो, कहां पे ब्राइट बनेगा, कहां पे डार्क बनेगा, कैसे डिसाइड होगा। बच्चों, ब्राइट स्पॉट वहां पे बनेगा जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होती है, थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट है, अगर पिछला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है इंटरफेरेंस का, वरना थोड़ी सी चीज याद करनी, बस थोड़ी सी, जो पाथ डिफरेंस होती है वो जीरो हो, वो लैम्डा हो, वो टू लैम्डा हो, वो थ्री लैम्डा हो, वो फोर लैम्डा हो, डैश डैश डैश, यानी पाथ डिफरेंस कैन बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, क्लियर, एन की वैल्यू जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, वगैरह हो। पाथ डिफरेंस बच्चों होता है कि ये दोनों सोर्सेस जो है, एस वन एस टू भी तो सोर्स हो गया अभी, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इस डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है ना, मान लो स्पॉट वहां पे, फिंगर्स दिखा रहा हूं, चलो मान लो कि स्पॉट वहां पे, तो इसके लिए पास हो गया, इसके लिए दूर हो गया, तो ये जितने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, इन दोनों के रास्ते में जो डिफरेंस आया। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा, टू लैम्डा, जीरो, थ्री लैम्डा ऐसा है, अगर ऐसा पाथ डिफरेंस आ रहा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट स्पॉट दिखेगा, इसको हम मैक्सिमा भी बोलते हैं, यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, इसलिए ब्राइट स्पॉट। पार्ट डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये दो स्लिट थी, ये लाइट गई, ये लाइट गई, तो दोनों ने रास्ते अलग अलग ट्रेवल किए दोनों वेव में, है ना, जो डिफरेंस ऑफ पाथ है दैट इज पार्ट डिफरेंस। इसी तरह से बच्चों डार्क स्पॉट बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिमाग में डाल देंगे पूरा टॉपिक, एकदम टेंशन मत लो, बेटर होगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव वाला लेक्चर भी देख लो, प्रीवियस लेक्चर। डार्क स्पॉट तब बनेगा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम हो गई, दोनों वेव्स कुछ ऐसे टकराई कि एक दूसरे को अपोज कर रही थी एकदम, तो वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम, यहां दोनों वेव्स कुछ ऐसे टकराई कि एक दूसरे को सपोर्ट की। यहां पे जो पाथ डिफरेंस होता है बच्चों, यहां पे जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, ध्यान देना दैट इज ईदर लैम्डा बाई टू और थ्री लैम्डा बाई टू और 5 लैम्डा बाई 2 और 7 लैम्डा बाई 2, कुछ फील हुआ, एक तो लैम्डा बाई 2 कॉमन है और ऑड मल्टीपल आ रहे हैं 1, 3, 5, 7, सो वी कैन से द पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ऑड लिखने का ये तरीका होता है बच्चों 2n-1, n की वैल्यू यहां पे 1 रख के देखो, अच्छा डिफरेंस यहां पे n 0 भी हो सकते हैं पर यहां
वन से ही कहानी स्टार्ट होगी। एन की वैल्यू वन रख के देखो, टू वन जो टू माइनस वन लैम्डा बाई टू। एन की वैल्यू टू रख के देखो, टू टू जो फोर माइनस वन थ्री लैम्डा बाई टू। एन माइनस वन से ऑड नंबर आ जाते हैं। n की वैल्यू 3 रख के देखो, 2 3 6 माइनस 1 5 लैम्डा। तो जहां जहां पे रास्ते का डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल्स में होगा वहां वहां चमकीला ब्राइट स्पॉट दिखेगा, और वहां वहां जिंदगी में अंधेरा होगा जहां जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा। इतनी बात याद रखो, आज का लेक्चर चुटकियों में गल जाएगा। फील हो रहा है अभी तक समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में बच्चों, बहुत आगे मिटा रहे इसको। इतना आगे जाके क्या करना सर, क्या पता खाली हो वहां पे सर, मिटा रहे। चलो इसको मिटाते हैं। चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी देता शर्म है की पर दे हटा के करनी है हमको खत्म। आ जाओ टॉपिक पे, यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सेटअप बनाते हैं, मतलब थोड़ा मैथ लगाते हैं। तो अभी आपने देखा था कार्डबोर्ड ऐसा रखा था, ऐसे स्लिट बना था, उसको हम उठा के ऐसे कर देंगे। कार्डबोर्ड ऐसे रखा था, ऐसे स्लिट बना था, उसको हम उठा के ऐसे कर देंगे, स्लिट ऐसे ऐसे हो गई। ठीक है, बढ़िया। अरे कार्डबोर्ड ऐसे रखा था, स्लिट ऐसे ऐसे बनी थी, 90 डिग्री रोटेट। ठीक है, तो स्क्रीन पे पैटर्न भी क्या होगा, अब ये स्लिट और ये स्लिट हो गई। अरे समझे, इसको इसे घुमा दिया, ये स्लिट है, तो बीच में ब्राइट बनेगा, डार्क ब्राइट ऐसे बन जाएगा पैटर्न। समझ रहे हो ना, पूरे एक्सपेरिमेंट को इसे घुमा दो, देखो दिखाते हैं कैसे। अब कंडीशन नहीं आएंगी है ना, ऐसा नहीं कि घर पर बैठ के तुमने कार्डबोर्ड लिया, छेद किया, लाइट मारा, अरे सर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। मैंने बोला ना स्लिट्स बहुत पतली हो, इतनी पतली हो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के पास उसका डायमेंशन हो और स्लिट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो। बहुत सी कंडीशन है, आएगा गए घर में, गए ऐसे कार्डबोर्ड काटा, चालू कर दिया, टॉर्च लेके, मम्मी देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फ्लाइंग चप्पल रिसीव। सो लेट्स प्रोसीड। तो अब हम जा रहे हैं इसका मैथमेटिकल थोड़ी कहानी और देखें, जरा ध्यान से। मान लो यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है वगैरह वगैरह सारी बातें हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, इससे रेस पैरेलल हो गई, मैं ये सब नहीं बनाऊंगा बार बार, ठीक है, इससे रेस पैरेलल हो गई और फिर स्लिट्स आई, हम स्लिट्स पे करते हैं इसका। ठीक है, ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2, बोलो समझ गए, ऐसे 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 थी उसी को, ऐसे बहुत ही छोटे स्लिट, बहुत 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 छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे, वेरी वेरी स्मॉल स्लिट कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 4000 मतलब 1000 को हटा लो, 10 की पावर माइनस 7 मीटर के आसपास का छेद है। तभी तो मैंने बोला माचिस की तीली से लाइन खींचने को, बहुत ही थिन। अच्छा, और भाई मान लेते हैं स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। चलो मैथ्स आने स्टार्ट हो गई, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, जो कि अधिकतर एग्जाम में मिलीमीटर में दिया होता है, अधिकतर एग्जाम में मिलीमीटर में दिया होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डी इज गिवन इन मिलीमीटर, और मैक्सिमम क्वेश्चन में डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर ऐसे मिलती है। ये तो हो गए हमारे स्लिट्स, लाइट सोर्स की तरह करेंगे, पीछे से लाइट आ रही है, ठीक है। अच्छा, बहुत कंडीशन है, सामने लगा देंगे एक स्क्रीन, नहीं डरो नहीं, सामने लगा देंगे एक स्क्रीन, बढ़िया मस्त स्क्रीन है यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल स्पॉट की। तो यहां से एक लाइन टक 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 सीधी मैंने जोड़ दी, सीधी बनी है, आई होप सो। एक लाइन यहाँ सीधी से जोड़ते हैं, ये सीधी जोड़ दी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो डिस्टेंस है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का, इसको बोलते हैं कैपिटल डी। सर्वप्रथम कंडीशन इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने की, डी इज मच मच ग्रेटर देन डी। ये जो कैपिटल डी होता है, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट अटका नहीं है, स्क्रीन एंड स्लिट, ये बहुत बड़ा होता है, मीटर्स में होता है ना, इन मीटर्स होता है, दिस इज गिवन मोस्ट ऑफ द टाइम इन मीटर्स। मैक्सिमम आपको दिखेगा एग्जाम में 1 मीटर 2 मीटर ऐसे ही दिया होता है, और डी हमने बता दिया किसमें है, इन मिलीमीटर्स, ठीक है, 1 मिलीमीटर के आसपास। तो ये इससे 10 की पावर 3 टाइम्स बड़ा है, 1000 गुना बड़ा डिस्टेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं सेंट्रल स्पॉट पे।
सेंट्रल स्पॉट पे दो वेव्स आएंगी, एक S1 से आएगी, एक S2 से आएगी, या किसी को भी S1 S2 कह सकते हैं, दोनों S2 कह दिया, एक S1 से आएगी, एक S2 से आएगी, और कैसी लाइट आएगी? मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो ये S1 S2 से मोनोक्रोमैटिक लाइट, सर मोनू तो मेरा भाई है, अरे मोनू नहीं रे, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो कि सिंगल कलर की हो, एक ही वेवलेंथ की हो, वो आई और यहां पे जाके लड़ी सेंट्रल पे, देखना चाह रहे हैं कि सेंटर में होता क्या है। तो यहां से एक लाइट आई धाक, यहां से आई धाक, ये दोनों लाइट आके यहां पे लड़ी। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा सीधा बना लेते हैं, आई होप आपके बजट में स्केल होगी तो आप स्केल खरीद लेंगे। यहां पॉइंट पी, ठीक है। अब बात हो रही है कि S1 से P और S2 से P बराबर डिस्टेंस है कि बराबर नहीं है, क्या कोई पार्ट डिफरेंस है या कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है? मेरे ख्याल से तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, है भाई? अरे बराबर का डिस्टेंस है d/2, ये भी बता देते हैं, this is d/2, ठीक है, दोनों d/2। अब बताओ S1 S2 बराबर दूरी पे सेंट्रल पॉइंट से, तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस बराबर होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि S2P = S1P, इसका मतलब S2P - S1P = 0, यानी दोनों लाइट के रास्तों में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे द पाथ डिफरेंस, हम बोलेंगे द पाथ डिफरेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स इज 0। इनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, जब पार्ट डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट स्पॉट बनेगा। सो यहां पे होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहां पे ऑब्जर्व होगा एक मैक्सिमा और स्पॉट बनेगा ब्राइट। मैंने बोर्ड का कोने में लिखा, क्या आपको दिखाई पड़ा? मैं पीछे आके कैमरा में देखेगा ये बात, हाँ लिख रहा है। तो यहां पे बनेगा एक ब्राइट स्पॉट और इसका एक स्पेशल नाम है, नोन एज सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ यू नो व्हाई देयर इज अ ब्राइट स्पॉट इन बिटवीन द स्लिट्स, जबकि लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो यहां पे ब्राइट और बीच में डार्क होना चाहिए था, पर लाइट तो वेव है भाई, यहां से वेव निकली, यहां से वे यहां पहुंची, यहां पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 है, पार्ट डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, n लैम्डा हो, तो ब्राइट स्पॉट। क्लियर है? अब सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बाकी कहानी यहीं से चलनी है, इसको नोट करें, मजा आया, बहुत मजा आया सर, नोट करें इसको। पर कितना मोटा ब्राइट होता है? देखो सेंटर में बहुत ब्राइट होगा, बगल में ब्राइटनेस थोड़ी कम होती जाती है, इंटेंसिटी गिरती जाती है। अभी इंटेंसिटी का ग्राफ भी बना के दिखाएंगे, कांसेप्ट 100% क्लियर करेंगे, टेंशन ना ले, पैसा पूरा दिया है, मजा पूरा मिलेगा। यहां पे एकदम ब्राइट है, यहां थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाएगा, नोट कर लिया। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, अरे निकल आओ प्यार के चक्कर से बाहर, सामने है बोर्ड का एग्जाम, उसके बाद जेई का एग्जाम, ऐसे जेई का तो भी है, नीट का एग्जाम, सब मिलेगा रे, मिटा रहे। पार्ट डिफरेंस 0, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेंट्रल मैक्सिमा, बिकॉज पार्ट डिफरेंस 0। क्या क्या बताया मैंने? डी इज वेरी वेरी स्मॉल, और क्या बताया? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, और ये जो छेद है ये बहुत ही छोटा होना चाहिए लाइट की वेवलेंथ के आसपास, एंड स्ट्रॉन्ग्स में होना चाहिए इसका डायमेंशन, और क्या बताया? डी शुड बी मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, और क्या बताऊं, धीमे धीमे बताते जाएंगे, कंडीशंस बहुत है, लास्ट में लिखवा देंगे कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। मिटा रहे, लेक्चर लंबा चलेगा सर, हमें तो पता है, क्लिक करने के पहले ही नीचे देख लिया था, एक घंटा इतना मिनट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई सेंट्रल में ब्राइट बनेगा ये तो पता चल गया, और एक्सपेरिमेंट में हमें क्या कहा था थॉमस यंग साहब ने, उन्होंने कहा था कि सेंट्रल में तो ब्राइट बन रहा है पर उसके बगल में डार्क बनता है सयूरेटर। तो भाई बगल में डार्क, उसके बगल में व्हाइट, डार्क व्हाइट, डार्क ब्राइट, ये भी देखना, समझ में आ रहा है? सेंट्रल में ब्राइट, डार्क डार्क, ब्राइट ब्राइट, डार्क डार्क, ब्राइट, समझ लो, ब्राइट सेंट्रल, ब्राइट डार्क,
ब्राइट डार्क ब्राइट समझ गए लेफ्ट राइट हाँ अब हम जा रहे हैं लोकेशन पता करने किसी पर्टिकुलर ब्राइट स्पॉट या किसी पर्टिकुलर डार्क स्पॉट की यानी किसी पर्टिकुलर मैक्सिमा या किसी पर्टिकुलर मिनिमा की लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर मैक्सिमा यानी ब्राइट एंड मिनिमा यानी डार्क किसी पर्टिकुलर ब्राइट या डार्क फ्रिंज की स्पॉट की लोकेशन कि पहला ब्राइट कहां है दूसरा ब्राइट कहां है कहां से लोकेशन सेंट्रल ब्राइट से जैसे हम बोले कि सेंट्रल में ब्राइट है उसके ऊपर डार्क है उसके ऊपर ब्राइट है उसके ऊपर डार्क है उसके ऊपर ब्राइट हम कहें एक बात बताऊं ये सेंट्रल ब्राइट से तीसरा ब्राइट कितना ऊपर है तो ये चीज हम निकालने जा रहे हैं ये सेंट्रल ब्राइट से दूसरा डार्क कितना ऊपर है तो ये चीज निकालने जा रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी अभी तो ऊपर नीचे में आ गई कहानी आओ सर कहाँ आए पढ़ाओ बात ही करवा लो सर आपसे बस हैं इतनी देर में तो सर 10 मिनट में तो लोग सर YDSE पढ़ा देते हैं आप पता नहीं क्या कहानी बता रहे हो फिर भी सर मोहब्बत तो हो गई है आपसे क्या करें आज देखो रात का समय है मैं बातें इधर उधर करूंगा थोड़ा बातें करते वक्त मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ तो S1 S2 हमारे दो यहाँ पे स्लिट्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है बहुत बढ़िया स्लिट्स बहुत स्मॉल हैं और यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन रखी हुई है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर स्क्रीन है और यहाँ से डंग 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 ये डिस्टेंस कैपिटल D है अगर सीधी लाइन नहीं खींची हो तो माफी चाहूंगा ये डिस्टेंस कैपिटल D है बहुत बढ़िया मेन डेरिवेशन आने वाली है मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट P है और ये क्या है इसको हम बोलेंगे CB CB मतलब सेंट्रल ब्राइट CB मतलब सेंट्रल ब्राइट ये डिस्टेंस कितना D/2 ये कितना D/2 मान लो कोई पॉइंट P है और assumptions क्या क्या है डी मच 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 करता है स्मॉल डी और सोर्सेस कैसे हैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमैटिक सोर्स और कोहेरेंट भी होते हैं सोर्स हैं सब लिखवाएंगे कंडीशन लास्ट में अभी ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए इनका एम्पलीट्यूड करीब करीब सेम होना चाहिए मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर की लाइट हाँ अब हम मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे पहला मैक्सिमा है मान लेते हैं चलो पी पॉइंट यहां से मान लेते हैं एंगुलर एलिवेशन थीटा पर है S1 से जरा P को जोड़ो डंग जोड़ दिया S2 से जरा P को जोड़ो डंग जोड़ दिया S1 P भी जोड़ दिया S2 P भी जोड़ दिया क्या दोनों की पाथ में कोई डिफरेंस है नहीं है दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं है ना कभी तो दिमाग लगाओ अलग अलग डिस्टेंस है इस बार इतना भी नहीं दिख रहा है इस बार तो साफ साफ दिख रहा है अलग अलग डिस्टेंस है भाई ये वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये कम डिस्टेंस के तो पास है ना पी पॉइंट इससे दूर है बना रहे लाइन सीधी बन जा चलो बन गई अब साफ साफ दिख रहा है इस बार कि S1P is greater than S2P दिखाई पड़ रहा है आपको S1P is greater than S2P is greater than S1P अरे नीचे वाली पाथ बड़ी है कि नहीं तो पाथ डिफरेंस आ गया हम मान लेते हैं कि P पे ब्राइट स्पॉट है और मान लेते हैं P सेंट्रल ब्राइट से Y डिस्टेंस ऊपर की तरफ है तो हम मान लेते हैं कि P पे क्या बन रहा है P पे बन रहा है फर्स्ट मैक्सिमम या फर्स्ट ब्राइट मान लेते हैं कि P पे पहला ब्राइट है ठीक है सेंट्रल में ब्राइट है उसके बाद डार्क है उसके बाद पहला ब्राइट है इसको पहला नहीं बोलते तो जीरो है यहाँ पे सेंटर पे ब्राइट है इसके बाद डार्क है उसके बाद ब्राइट है फिर डार्क है इसको जीरो मान लो यहाँ से डिस्टेंस देख लो अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया अच्छा इनके बीच में पार्ट डिफरेंस है कि नहीं है आप कह रहे हो कि ये डिस्टेंस ज्यादा है अच्छा अब मेरी बात सुनो कहानी शुरू में डी मच मच ग्रेटर देन डी से क्या हुआ ये डिस्टेंस बहुत कम है ये स्लिट बहुत कम मिलीमीटर और ये डी बहुत बड़ा है मीटर में ध्यान से देखो तो ये दोनों रेस करीब करीब पैरेलल हो जाएंगे नहीं फील हो रहा सर ये तो छोटा सा डिस्टेंस है सर इन्हें अलग दिखाते हैं डी
और स्क्रीन बहुत दूर है, अब यहां से रेस जाए, यहां से रेस जाए, करीब करीब एक ही पॉइंट से। अरे यहां तो हमने बहुत मैग्नीफाई करके बनाया मेरे भाई, ये डी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये पॉइंट्स बहुत पास पास है। अगर ये पॉइंट बहुत पास पास होंगे तो दोनों रेस करीब करीब एक ही पॉइंट से निकलती हुई दिखेगी। मैंने कहा ना स्लिट्स बहुत क्लोज है, तो ऐसा लगेगा दोनों रेस एक ही जगह से आ रही, जबकि थोड़े से डिस्टेंस से आ रही है मान लें, पर करीब करीब एक ही जगह से आती हुई रेस, तो क्या ये दोनों रेस दूर से पैरेलल नहीं लगेंगी? Giving the reason D is much much greater than D. Giving the reason D is much 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 greater than D. S1P, S2P and इसको क्या बोले डैश लाइन को, इसको कुछ नाम दे देते हैं, Q दे देते चलो, and QP are nearly parallel. Feel हो गया सबको? कि एक्चुअल में डिस्टेंस ये इससे हजार गुना बड़ा डिस्टेंस है, इससे हजार गुना, बोर्ड पे नहीं बना पा रहा है मैग्नीफाइड, हजार गुना दूर है पॉइंट ऐसे पास पास, यहां से रेज, यहां से उस दूर वाले पॉइंट को क्या दिख रहा है, उधर देखा उसने, एक वहां से आ रही है एक वहीं से आ रही है, तो दोनों रेस पैरेलल दिखेगी ना, तो दूर से देखने पे दोनों रेस करीब करीब पैरेलल और ये भी करीब करीब, यानी तीनों रेस सर बेवकूफ बना रहे हो, बोर्ड पे तो साफ साफ दिख रहा है पैरेलल नहीं है। बच्चों ये बहुत क्लोज और डिस्टेंस बहुत दूर, आप सोचो यहां से लाइट निकली और दूर से दोनों रेज एक ही जगह से आती हुई नहीं दिखेंगी पैरेलल सी? हाँ, और ये लाइन भी पैरेलल हो गई, इसके बीच में ही तो पड़ रही है, तो ये तीनों लाइंस करीब करीब पैरेलल। अब मैं कह रहा हूं पाथ का डिफरेंस चाहिए मुझको, आप सोचो पैरेलल लेज है, थोड़ा सोचो जरा पैरेलल लेज है, तो पाथ का कितना डिफरेंस है, एक काम कर रहे हैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे S2P पे एक धड़ा, let us name this point as P, Q सब हो गया R। अब ध्यान से देखो इन दोनों पाथ में क्या यही पाथ एक्स्ट्रा है, पाथ का डिफरेंस कौन ज्यादा पाथ चला, ये कितना ज्यादा इतना, बाकी यहां से तो दोनों करीब करीब बराबर चल रहे हैं, क्या यही पाथ डिफरेंस है, क्या इसको मैं डेल्टा एक्स बोल सकता हूं, ऐसा होने पे मैं बोल सकता हूं द पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट 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 S2R जिसको मैंने डेल्टा एक्स बोल दिया, अब बोल दिया तो बोल दिया भाई, क्लियर हुई बात, पाथ डिफरेंस इज दिस S2R व्हिच इज डेल्टा एक्स, क्लियर, मैंने परपेंडिकुलर गिराया, ये डिस्टेंस तो बराबर चले, ये एक्स्ट्रा इतना चला है, ये पाथ डिफरेंस है। अब हमने मान लिया कि P पे पहला मैक्सिमा, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं कि पहला मैक्सिमा कितनी दूर है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ी ज्योमेट्री खेलेंगे, यहां से अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा होगा, सब ये सब चीजें अजम्पशन पे डिपेंड कर रही हैं, रियलिटी में ऐसा है नहीं, फिगर देख के लग ही रहा, बट अगर आप सोचो कि डिस्टेंस छोटा और डिस्टेंस ये बहुत बड़ा, तो ये लाइन पैरेलल है, जो कि डायग्राम में फील नहीं हो रहा, बट रियलिटी में ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो अगर इस लाइन ने हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाया तो ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगी। अच्छा ये पूरा एंगल कितना है 90, ये पूरा एंगल कितना है 90, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा, मिला तुम्हें चीटा, नहीं मिला, मैंने बोला ये रे करीब करीब पैरेलल, इसने हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाया तो ये भी हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगी, फिर ये एंगल कितना होना चाहिए 90, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90, तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल थीटा, ये ट्रायंगल है ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये एंगल 90 डिग्री बोल रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा का है, क्योंकि ये थीटा होना है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, हो जाएगा थीटा थीटा कैंसिल 90 90। अच्छा अब जरा ध्यान से ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस होगा कि ये होगा, अरे ये कैसे हो सकता है, इस पे तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल यू कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बटा डी, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इज कमिंग आउट इन योर लाइफ, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंटिल यू गेट मैरिड एंड हैव किड्स एंड यू टीच योर किड्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ओनली इफ द अर्थ इज हैबिटेबल।
habitable. Until then, you save water and didn't do pollution. रात का समय है, बातें इधर-उधर निकल जाती हैं, वापस आते हैं. तो sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse से delta x by d लिखा, delta x is equals to d sin theta. This is the part difference that you have to remember for whole YDSE. For all YDSE, you have to remember delta x is always equals to d sin theta, where d is the distance between two slits, where d is the distance between two slits, and theta is the angular position of a point. यानी ये delta x बन जाएगा d sin theta. और ये जो छोटी सी बात मैंने कही है, ये बच्चों को feel नहीं होती है कितनी. मैंने कोई feel नहीं होता, feel ही नहीं होता था क्या कह रहा है teacher. कोशिश मैंने पूरी की, बाकी आपका सपोर्ट है, इलेक्शन जिता लीजिएगा. तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा था, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा. करीब करीब रेज वहां, भाई दूर से देखा दोनों एक ही पॉइंट से करीब करीब पैरेलल लग रही थी. अब मैंने कहा अगर ये लाइंस पैरेलल हो गई, फिर मैंने 90 डिग्री किया है. हमने कहा अगर ये पैरेलल है तो ये डिस्टेंस तो बराबर ही एक्स्ट्रा है. अब अगर ये पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल से थीटा हो जाएगा. ये पूरा 90 होना चाहिए, थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा. फिर मैंने ये ट्रायंगल उठाया, sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होगा भाई, ये तो बेस हो गया ना 90 डिग्री पे. Perpendicular upon delta x is equal to d sin theta. Now we don't need the figure anymore. Or do we? Yeah, we do. चलो उसको मिटा देंगे फिर. Note कर लो अपना. ये याद रखना, delta x is equal to d sin theta. Note कर लो. कर लिया? छाप लो pause करके. चलो बहुत बढ़िया. अब चूंकि आप बोल रहे हो कि ये first bright है, first maxima है, और आपने पढ़ रखा है कि मैक्सिमा के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डैश डैश, लास्ट में n लैम्डा. बच्चों 0 वाली कहानी तो हो चुकी है, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ. 0 वाली कहानी तो सेंट्रल ब्राइट पे ही हो गई थी, जब पार्ट डिफरेंस कितना था 0. यानी अब लैम्डा की कहानी स्टार्ट होगी. सो इसका मतलब पहला ब्राइट स्पॉट तब मिलेगा जहां पे डेल्टा x n lambda, n की वैल्यू 1 रख दो, 1 lambda. Delta x की जगह रख दो d sin theta is equals to lambda. यहां से sin theta is equals to lambda by d. Now we are going into next assumption. D is measured in millimeter. D is measured in millimeter. Yes, nearly 1 millimeter. Whereas lambda is in angstrom. Lambda is in angstrom. Lambda wavelength of light. 4000 angstrom से 8000 angstrom. Visible light. Violet की 4200. Red पहुँचते पहुँचते 7600. ये angstrom में ये millimeter. कौन बड़ा कौन बड़ा? Millimeter बड़ा. Millimeter होता है 10 की power minus 3. Angstrom होता है 10 की power minus 10. So now we know lambda is measured in some 1000 angstrom. 4000 angstrom से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, यानी नियरली जो इसकी रेंज है वो 10 की पावर माइनस 7 मीटर में है. और जहां की डी की बात करें तो ये मिलीमीटर्स में है, यानी इसकी रेंज 10 की पावर माइनस 3 मीटर में. यानी यहां हमें समझ में आ रहा है लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन डी. लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है, ये डिस्टेंस उसके साथ. एक मिनट, स्लिट का छेद जो है वो लाइट की वेवलेंथ के पास है, इनके बीच का डिस्टेंस. Are you getting the concept? Feel आ रहा है? सालों का experience एक lecture में आपके पास. वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया. हम ये कह रहे हैं slit का dimension है, वो wavelength के पास है. ये distance wavelength के पास नहीं, ये तो बड़ा है. 10 की power minus 3, 10 की power minus 7, 10 की power 4 गुना बड़ा है. मतलब 10,000 गुना बड़ा. यानी अब हम बोल सकते हैं lambda is much less than d. नया assumption note करें. ये 95% case में ऐसा होगा. Not 100%. एक क्वेश्चन कराएंगे जहां ऐसा नहीं होगा. 95% केसेस में ऐसा आपको दिखेगा. लैम्डा इज मच मच लेस देन डी. नोट करें. कर लिया? ये मिटा दूं मैं. थैंक यू. अच्छा बच्चों, अगर लैम्डा डी से बहुत बहुत छोटा हो गया तो ये क्वांटिटी 1 से बहुत बहुत छोटी हो गई. यानी साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब थीटा बहुत छोटा होगा. आर यू गेटिंग इट? भाई अगर लैम्डा डी से बहुत बहुत, ये छोटा सा, ये बड़ा सा, ये छोटा सा, ये बड़ा सा, तो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी. साइन थीटा 1 से बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटी वैल्यू कब लेता है? जब थीटा बहुत छोटा हो. सो अगर ये होगा देन वी कैन से थीटा इज वेरी स्मॉल.
And if theta is very small, you all know that sine theta is nearly equal to tan theta. ये तभी होता है जब theta बहुत छोटा हो. तो हम sine theta की जगह लिख देंगे tan theta 95% केस में. यानी tan theta is equals to lambda by t. अब फिगर में आ जाओ, tan theta निकालो. ये theta है, tan theta is perpendicular upon base. ये तो tan से पढ़ते आ रहे हो. Tan theta is perpendicular upon base. ये triangle देख रहे हो. tan theta is perpendicular upon base. तो tan theta की जगह perpendicular upon base is equals to lambda by d. y by capital D is equals to lambda by d. यहाँ से you can say y is equals to d lambda by d. This is the position of first bright fringe. d lambda by d is the position of फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. यानी पहली ब्राइट फ्रिंज यहां से कितनी दूर बनेगी, d लैम्डा बाय d डिस्टेंस पे बनेगी. नोट करें, दूसरी तीसरी तो बहुत आसानी से हो जाएगी, पहली सीखनी थी. ये अजम्पशन समझ में आया? बहुत बढ़िया. मोस्ट ऑफ द टाइम वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच मच स्मॉलर देन d, मोस्ट ऑफ द टाइम. नोट कर लिया? बहुत बढ़िया. फर्स्ट बाय डी लैम्डा बाय डी. मान लो सेकंड मैक्सिमा की बात करें हम, फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, सेकंड मैक्सिमा की बात करें हम या सेकंड ब्राइट की बात करें, तो बच्चों सेकंड ब्राइट कब होगा? जब पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा के बराबर हो. डी साइन थीटा 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा. साइन थीटा 2 लैम्डा बाय डी हो जाएगा. अरे भाई दूसरा ब्राइट तभी तो होगा जब पहला देखो एक तो सेंट्रल हो गया खत्म, फिर एक लैम्डा पे, फिर एक 2 लैम्डा पे, ठीक है. ये 2 लैम्डा बाय डी, तो यहां आते 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 ये 2 लैम्डा, यहां ये 2 लैम्डा और यहां पे 2d लैम्डा बाय डी. ये हो गया सेकंड ब्राइट. मान लो कोई कहे थर्ड ब्राइट, तो बच्चों थर्ड मैक्सिमा या थर्ड ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स किसके बराबर? 3 लैम्डा, 3 लैम्डा, यहां पे भी 3 लैम्डा, जहां-जहां लैम्डा था वहां-वहां 3 लैम्डा कर दो. 3 lambda, 3 lambda, यहाँ पे भी 3d lambda by d, this is the third bright. Fourth bright में क्या हो जाएगा? 4d lambda by d. Fifth bright में 5d lambda by d. Sixth bright में 6d lambda by d. Nth bright में, nth bright में, nth bright में, nd lambda by d. This is the distance of nth bright fringe from central bright. कहां से? सेंट्रल ब्राइट से. नोट करो, क्लियर है? मैंने पहले का बताया था सिर्फ आपको. ये पहले की कहानी फिर से लिखिए बोर्ड पे. पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, डी साइन थीटा इज लैम्डा, साइन थीटा इज लैम्डा बाय डी, लैम्डा इज मच मच लेस देन डी, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टैन थीटा, लैम्डा बाय डी, tan theta is y by d, y is equal to d lambda by d. This is the first bright. Clear? Second bright के लिए part difference 2 lambda, सब जगह 2 lambda, यहाँ पे 2d lambda. Third bright के लिए part difference 3 lambda, यहाँ पे 3 lambda. Fourth bright के लिए part difference 4 lambda, 4d lambda by d. Nth bright के लिए nd lambda by d. Clear है? मिटा है? अब बात करते हैं डार्क फ्रिंजेस की. ब्राइट तो समझ में आ गया, कहां पे बन रहा है? d लैम्डा बाय d डिस्टेंस दूरी पे. अब बात करते हैं कि डार्क कहां बनेगा. चलो अब बात करते हैं फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट डार्क. डार्क के लिए बच्चों कौन सा, मान लेते हैं p पे ही फर्स्ट डार्क बन रहा है. अरे ये तो वेरिएबल पॉइंट है ना, p फिक्स थोड़ी ना हुआ है. अब मान लेते हैं p पे पहला डार्क बन रहा है या पहला मिनिमा, तो उसका भी y निकल आएगा. नहीं समझे? पहला ब्राइट यहां से कितनी दूर है? d लैम्डा बाय d. और देखते हैं पहला डार्क कितनी दूर है. मान लेते हैं p पे डार्क बन रहा है ना, ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फिर डार्क है ना, तो पहले तो डार्क ही बनेगा, देखते हैं कितनी दूर पे. तो इसको हम बोलेंगे
कि ये है मिनिमम, मिनिमम आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, यानी 2l माइनस 1 लैम्डा बाय 2 से। तो बच्चों डायरेक्ट बनेगा, बाकी कहानी सेम रहेगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती है याद रखो हमेशा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती है d sin थीटा, ये ऑलवेज ऑलवेज, जब तक बीच में कोई ग्लास स्लैब वगैरह ना डाल दे, वो भी एक कहानी होती है। सो डेल्टा एक्स इज d sin थीटा, वेरी गुड। एंड फॉर डार्क, फर्स्ट डार्क डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2, जो पाथ डिफरेंस है वो अगर लैम्डा बाय 2 के बराबर हो गया तो उस पॉइंट पी पे काला धब्बा बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। सो d sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, यहां से sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2d, फिर से वही रीजन देंगे, लैम्डा इज मच 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 लेस देन d इन 95% केसेस, तो sin थीटा करीब करीब tan थीटा के बराबर, सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2d। बोलो ये सब समझ में आ रहा है? अगर लैम्डा d से बहुत बहुत छोटा है, क्योंकि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, d मिलीमीटर में है, तो ये क्वांटिटी 1 से बहुत बहुत छोटी होगी, तो sin थीटा करीब करीब उस टाइम थीटा बहुत छोटा होगा, sin थीटा करीब करीब tan थीटा के बराबर होगा। tan थीटा इज लैम्डा बाय 2d, इस कहानी को लेके आगे आओ, यहां से tan थीटा की वैल्यू रख दो y by d, तो tan थीटा की जगह y by capital D is equals to lambda by 2d, यहां से y is equals to d lambda by 2d, this is first dark, note d lambda by 2d पे पहला dark और d lambda by d पे पहला bright, यानी dark पहले बन रहा है, देखो bright बन रहा था d lambda by d पे, मान लो जैसे 1 meter पे मान लें, तो dark बन रहा है d lambda by d by 2 पे, यानी 1 by 2.5 meter, पहले ब्राइट के बाद डार्क बनेगा, तब ब्राइट बनेगा सेंट्रल के बाद, सेंट्रल ब्राइट के बगल पहले डार्क, देखो ये पहले आ रहा है d लैम्डा बाय 2d, आधा d लैम्डा बाय d पे ब्राइट था, उसके आधे पे डार्क है d लैम्डा बाय 2d, समझ में आ रहा है? पहला ब्राइट d लैम्डा बाय d, दूसरा ब्राइट 2d लैम्डा बाय d, तीसरा ब्राइट 3d लैम्डा बाय d, चौथा ब्राइट 4d लैम्डा बाय d, पर डार्क की कहानी अलग है, d लैम्डा बाय 2d पे पहला आ गया। दूसरा कहां पे आएगा, नोट कर लिया, पॉज करके नोट करो, कर लिया। चलो अब अगर हम बात करें सेकंड मिनिमा की या सेकंड डार्क की, तो भाई डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, तो यहां पे 3, 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 3d लैम्डा बाय 2d, करीब 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 क्या 1.5d लैम्डा बाय d, ये क्या हो गया सेकेंड डार्क, नोट करना, नोट कर सेकेंड डार्क। थर्ड डार्क कहां पे आएगा, थर्ड मिनिमा या थर्ड डार्क, ये कितना हो जाएगा बोलो 5 लैम्डा बाय 2, ये भी 5 लैम्डा बाय 2, ये भी 5 लैम्डा बाय 2d, यहां पे भी 5 लैम्डा बाय 2d, यहां पे भी 5 लैम्डा बाय 2d, 5 लैम्डा बाय 2d, 5d लैम्डा बाय 2d, कुछ समझ में आ रहा होगा, d लैम्डा बाय 2d कॉमन है और उसके ऑड मल्टीपल चल रहे हैं, पहला डार्क 1d लैम्डा बाय 2d, दूसरा डार्क 3d लैम्डा बाय 2d, तीसरा डार्क 5d लैम्डा बाय 2d, d लैम्डा बाय 2d कॉमन है, इसमें ऑड चिपकाते चलो डार्क मिलता चलेगा। तो अगर हम बोले, नोट कर लिया, अगर हम बोले यहां पे इसको मिटा ले, अगर हम बोले y nth dark, तो बच्चों क्या चीज कॉमन रहेगी, d लैम्डा बाय 2d तो कॉमन है, फर्स्ट के लिए यहां पे 1 आया था, सेकंड के लिए 3 आया, थर्ड के लिए, थर्ड के लिए 5 आया, तो यहां पे हम लिख देंगे 2n minus 1, चेक कर लो, 1 रखो, 2 1 2 minus 1, d लैम्डा बाय 2d, 2 रखो, 2 to the 4 minus 1, 3d लैम्डा बाय 2d, 3 रखो, थर्ड डार्क, यहां पे 3 रखो n की जगह, n की जगह 3 रखो, थर्ड डार्क, 2 3 6 minus 1, 5d लैम्डा बाय 2d, नोट करें। तो ये हुई लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर मैक्सिमा या पर्टिकुलर मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, ये डिस्टेंस
सेंट्रल ब्राइट से है। मिटा रहे इसको, फील दे और फील दे इसको, अभी देते हैं, मिटा रहे इसको, नोट कर लो। चलो इसको और फील देते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, फ्रिंज विड्थ समझते हैं और फील आ जाएगा अभी। चलो फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं, कई किताब इसको बीटा से डिनोट करती हैं, कई किताब इसको डब्लू से डिनोट करती हैं। फ्रिंज विड्थ कि फ्रिंज कितनी मोटी मोटी हैं, ये ब्राइट डार्क कितना मोटा मोटा है। अच्छा ये भी बता दें कि डार्क का मतलब ये नहीं कि पूरा डार्क, बीच में ज्यादा डार्क होता है, धीमे धीमे इंटेंसिटी कम हो जाती है, ओवरलैपिंग होता है, मतलब नहीं, जैसे तो बना देते हैं किताब में एकदम गाढ़ा फिर सफेद फिर गाढ़ा। अभी इंटेंसिटी ग्राफ देखो, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी फिर गिरेगी तब जीरो, ऐसा नहीं कि हाई जीरो हाई जीरो। क्या फ्रेम और जरा स्क्रीन बनाते हैं, मजा आता है। ये स्क्रीन है, यहां पकड़ लो सेंट्रल ब्राइट और तुम्हें मजा दिलाते हैं बढ़िया एकदम। जरा मुझे ये बता दो वाई एनथ ब्राइट का फॉर्मूला, एन डी लैम्डा वाई डी वाई एनथ डार्क का फॉर्मूला 2n-1 d lambda by 2d। बढ़िया से अगर नोट्स को रिवाइज कर लोगे तो याद भी रखना पड़ेगा। अच्छा देखो सेंट्रल ब्राइट के ऊपर क्या बनेगा, डार्क बनेगा सबको पता है। और पहले फर्स्ट ब्राइट बनाते हैं, यहाँ कहीं मान लो फर्स्ट ब्राइट और यहाँ कहीं मान लो सेकंड ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट कितनी दूर बनेगा, n की जगह 1 रख दो, d lambda by d। सेकंड ब्राइट कितनी दूर बनेगा, सेकंड ब्राइट कितनी दूर बनेगा, सेंट्रल से कितनी दूर हो जाएगा सेकंड ब्राइट, यहां 2 रख दो 2d लैम्डा बाय d। ठीक है डार्क की बात करें तो पहला डार्क कहां पे बनेगा, यहां पे 1 रख दो 2 1 2 -1 d लैम्डा बाय 2d, यानी इसके बीच में भाई सेंट्रल ब्राइट के ऊपर पहले फर्स्ट डार्क आएगा, इसके बाद इन दोनों के बीच में आता है सेकंड डार्क। थोड़ा थोड़ा तो जो पढ़ा हुआ है मैंने आता है मैं तो बता दूं, ये एकदम बराबर बराबर डिस्टेंस पे होते जाते हैं। d lambda by 2d, d lambda by 2d, d lambda by 2d, d lambda by 2d, सब उतने distance क्या नहीं है। आओ पहला dark यहाँ से कितनी दूर होगा, यहाँ 1 रखो 2 2 -1 d lambda by 2d, so this distance is। दूसरा dark central से कितना दूर आएगा, ये सब central से distance है, central point से। दूसरा कितनी दूर आएगा, यहाँ पे 2 रख दो 2 2 4 -1 3 d lambda by 2d। कहानी चल रही है, ध्यान देखो 3 by 2 कितना हो गया 1.5। शुरुआत करो फर्स्ट डार्क d lambda by 2 by d lambda d by 2 यानी करीब करीब 0.5 क्या आया, फिर कहां आया 1 d lambda by d, फिर डार्क कहां पे आया 1.5 पे, फिर ब्राइट कहां पे आया 2 पे, समझ रहे हो। ये थोड़ी देर के लिए दिमाग में इमेजिन करो, मैं फील लाना चाहता हूं, सोच लो d lambda by 2 की d की वैल्यू 1 है, बस सोच लो, जस्ट अज्यूम इसकी वैल्यू 1 मीटर है, जस्ट अज्यूम। तो पहला डार्क कहां बना 0.5 मीटर पे, फिर पहला ब्राइट कहां बना 1 मीटर पे, फिर अगला डार्क कहां बना 1.5 मीटर पे, फिर अगला ब्राइट कहां बना 2 मीटर पे, बराबर बराबर डिस्टेंस पे ब्राइट डार्क बन रहा है, इनके बीच में पहला डार्क एकदम एकदम मिड में है, समझ में आ रहा है 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2, क्लियर है बात। चलो अब फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज, जरा निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। तो एक काम करते हैं y सेकेंड ब्राइट में से y फर्स्ट ब्राइट माइनस कर देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट, तो y सेकंड ब्राइट होगा 2d lambda by d और ये d lambda by d, 2d lambda by d minus d lambda by d कितना हो गया 2-1 d lambda by d। Distance between two consecutive bright fringe is known as fringe width of dark fringe, is width of
डार्क फ्रिंज, दो ब्राइट के बीच में जितनी जगह है उसको हम डार्क की विड्थ कहते हैं, यानी फ्रिंज विड्थ डार्क की कितनी है, डी लैम्डा बाई डी ब्राइट की दी जाएगी होती है। पर पहले तरीका समझ लो, मान लो एग्जाम में आगे डिराइव करने को, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज y2 ब्राइट, चाहो तो y3 ब्राइट माइनस y2 ब्राइट कर लो, y4 ब्राइट माइनस y3 ब्राइट कर लो, समझ रहे हो, कंसेक्यूटिव इसके बाद के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज d लैम्डा बाय d, और दो ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज d लैम्डा बाय d, नोट कर लो पॉज करके, कर लिया पॉज करके नोट कर लो। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा और डार्क फ्रिंज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा और डार्क फ्रिंज, दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस y2 डार्क माइनस y1 डार्क, y2 डार्क होगा 3d लैम्डा बाय 2d, y फर्स्ट डार्क होगा d लैम्डा बाय 2d, देखो डार्क होता है d लैम्डा बाय 2d का ऑड मल्टीपल, तो पहला d लैम्डा बाय 2d * 1 और दूसरा d लैम्डा बाय 2 * 2d * 3, ये कितना आएगा, एलसीएम तो सेम होगा 2d और 3 minus 1 2 2 2 कैंसिल d लैम्डा बाय d एंड दिस इज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, समझ गए, दो डार्क के बीच का डिस्टेंस, दो डार्क के बीच का डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है, डी लैम्डा बाय डी, दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कितना था, डी लैम्डा बाय डी, यानी फ्रिंज विड्थ जो भी बोलो, बी बोलो या डब्ल्यू बोलो, बी बाय डब्ल्यू नहीं है, बी और डब्ल्यू, फ्रिंज विड्थ इज डी लैम्डा बाय डी, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, यानी बराबर की थिकनेस होती है डार्क और ब्राइट की, कोई पार्शियलिटी नहीं है, दो ब्राइट के बीच में जितना डिस्टेंस दैट इज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, दो डार्क के बीच में जितना डिस्टेंस दैट इज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कंसेक्यूटिव डार्क या कंसेक्यूटिव ब्राइट, नोट कर लें, ये फील आ गया सेंट्रल, इसके ऊपर डार्क डी लैम्डा बाई टू डी, इसके ऊपर ब्राइट डी लैम्डा बाई डी, इसके ऊपर डार्क थ्री डी लैम्डा बाई टू डी, इसके ऊपर ब्राइट टू डी लैम्डा बाई डी, उसके ऊपर डार्क फाइव डी लैम्डा बाई टू डी, उसके ऊपर ब्राइट थ्री डी लैम्डा बाई डी, उसके ऊपर डार्क सेवन डी लैम्डा बाई टू डी, उसके ऊपर ब्राइट फोर डी लैम्डा बाई डी एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, मिटा रहे, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आप इसके, चलो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लो फिर और आगे बातें करेंगे, अभी तो बहुत सी चीजें बची हैं, कंडीशंस वगैरह, चलो इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं हम लोग इसके YDSE के, चलो भाई स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर एक, मान लो पूरा सेटअप जो था वो वही है, और मान लो हमें दिया है डी का वैल्यू है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 मीटर, और लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये सारी वैल्यू हमें दे दी, ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, और ये हो गई वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, अब हमसे पूछता है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th maxima and 11th minima on the same side of central maxima, ठीक है, try करो जरा, try करो एक बार खुद से try करो, हमको स्मॉल डी की वैल्यू दी है, कैपिटल डी की वैल्यू दी है, लैम्डा की वैल्यू दी है, हमसे कहा है सेपरेशन बिटवीन सेवेंथ मैक्सिमा सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज
and 11th minima on the same side of central maxima. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं है. जैसे मान लो यहाँ पे बोल रहे हैं कि central bright fringe है. Central maxima मतलब central bright fringe. यहाँ कहीं ऊपर आपकी 7th bright होगी और ऊपर कहीं 11th minima. Minima मतलब dark. तो कहीं पे 11th dark होगी हमारी. इसके नीचे होगी कि ऊपर होगी? और बना के देख लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं. तो हमें निकालना है y 7th bright. तो बच्चों ब्राइट का तो फॉर्मूला क्या है? n d लैम्डा y d, यही है n d लैम्डा y d. n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 7 पुट कर देंगे. तो 7 d लैम्डा y d. और हमें क्या निकालना है? 11th मिनिमा यानी 11th डार्क फ्रिंज. तो 11th डार्क, भाई डार्क का क्या फॉर्मूला है? डार्क का फॉर्मूला है 2n minus 1 d लैम्डा by 2 d. यही फॉर्मूला है ब्राइट का n d लैम्डा by d और डार्क का 2n minus 1 d लैम्डा by 2 d. n की जगह 11 रखोगे, 211 हो जाएगा 22 minus 1 कितना होगा? 21 d लैम्डा by 2 d. तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ 10 पॉइंट आएगा, यानी इससे ज्यादा होगा एक यहां 11th डार्क. अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए. अच्छा, ये क्यों लिखा है इसमें? ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, कि सेंट्रल मैक्सिमा की सेम साइड पे है ना. इधर भी तो हो सकते थे, हो सकता है 7th ब्राइट इधर होता, 11th डार्क इधर का होता, समझ रहे हो? अभी अगले सवाल समझ में आएगी ये चीज. हमसे ये डिस्टेंस पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th मैक्सिमा यानी 7th ब्राइट एंड 11th मिनिमा यानी 11th डार्क के बीच का ऑन द सेम साइड, दोनों इसी तरफ है. मान लो सवाल ऐसा होता, 7th ब्राइट एंड 11th डार्क ऑन द अपोजिट साइड, तब अलग अलग डिस्टेंस हो जाता है ना. क्या अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, ये बड़ा है इसमें से ये माइनस कर दूं तो हो जाएगा जो भी आपको चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू सेपरेशन जो चाहिए. सो सेपरेशन विल बी इक्वल टू 11 डार्क माइनस 7 ब्राइट. ये होगा सेपरेशन, 11 डार्क में से 7 ब्राइट को माइनस कर दो डिस्टेंस को. 11 डार्क हो गया आएगा 2n माइनस से निकाला हुआ है 21d लैम्डा बाय 2d माइनस 7d लैम्डा बाय d. यहां से एलसीएम हो जाएगा 2d, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 7 जा 14, 21 माइनस 14 कितना हो गया? 7. 7d लैम्डा बाय 2d इज द आंसर. वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हो इसके बाद, ठीक है? इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसके बाद आप d की वैल्यू रख दो यहां पे, लैम्डा की वैल्यू रख दो यहां पे और स्मॉल d की वैल्यू. अच्छा, सबको एक यूनिट में रखना, सबको मीटर्स में रख लेना. तो मिलीमीटर ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 3 मीटर्स. एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10, सो ये हो जाएगा 5000 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. इसके बाद आप कर लोगे वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना, ये करीब कितना आएगा? 8.75 मिलीमीटर, ऐसी कुछ आंसर आएगा इसका, ठीक है? 8.75 या 8.25, लेट मी टेल यू द आंसर. ये आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? 8.75 मिलीमीटर आएगा, यानी 8.75 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. 8.75 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, या 8.75 मिलीमीटर कह सकते हैं इसी को, ठीक है? समझ में आया? 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा. 7th मैक्सिमा मतलब 7th ब्राइट, 11th मिनिमा मतलब 11th डार्क ऑन द सेम साइड. नोट करो, बेटा ओके. अब जैसे इसी में सेम साइड की कहानी, मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें. मान लो हमसे बोल दिया फाइंड द सेपरेशन बिटवीन, तो सवाल चेंज करते हैं, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा. दोनों मैक्सिमा है, सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा on opposite side of central maxima. अब समझो जरा, इस तरह का सवाल रेयर है पर आ सकता है. ज्यादातर देखो, अगर नहीं लिखा हो किस साइड हो तो सेम साइड मानना, अगर सवाल में ना लिखा हो कि किस साइड कहानी है तो सेम साइड ही मानना, ठीक है? पर मान लो लिख दिया ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जरा समझते हैं. ये अपनी सेंट्रल ब्राइट, हमसे क्या बोला है? सेकेंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा ऑन अपोजिट साइड. तो एक इस तरफ सेकंड ब्राइट और एक इस तरफ थर्ड ब्राइट, बोला समझे?
सेकंड मैक्सिमम एंड थर्ड मैक्सिमम ऑन अपोजिट साइड। अगर सेम साइड होता तो यहीं पे सेकंड ब्राइट यहीं पे थर्ड ब्राइट ये डिस्टेंस निकालते, वो तो फ्रिंज विड्थ के बराबर आता दो ब्राइट के बीच का। बट अभी ये कहानी है, ये तो बहुत आसान है यार। सेंट्रल से सेकंड ब्राइट कितना ऊपर होता है 2d लैम्डा बाय d, और ये थर्ड ब्राइट कितना हो जाएगा 3d लैम्डा बाय d। अरे एक ही बात है, अब कोई इस तरफ देख रहा है कोई इस तरफ देख रहा है, वो बोल रहे हैं कि इनके बीच का सेपरेशन बताओ, सेपरेशन कितना हो गया आंसर 5d लैम्डा बाय। फॉर्मूले से निकालना है, फॉर्मूले से निकाल लो y सेकंड ब्राइट क्या होता है nd लैम्डा बाय d, n की जगह 2 रख दो 2d लैम्डा बाय d, समझ गए, तरह इनकी जगह 3 रख दो 3d लैम्डा बाय d ऑन द अपोजिट साइड इनके बीच का सेपरेशन। तो ये चीज ध्यान देना, ऑन द सेम साइड लिखा है या ऑन द अपोजिट साइड, कुछ नहीं लिखा है तो सेम साइड, नहीं लिखा होता तो सेकंड ब्राइट थर्ड ब्राइट दोनों यही बनाते इनके बीच का डिस्टेंस निकाल देते, ये होता 2d lambda by d, ये होता 3d lambda by d, डिफरेंस आता d lambda by d। क्लियर है? चलो एक इस तरह का सवाल हो गया, और देखो क्या हो सकता है सवाल, वैल्यू सपोर्ट कर लोगे। एक दो तीसरा सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3। मान लो हमसे कहता है इफ द सेपरेशन बिटवीन If the separation between second maxima and fourth minima on same side of central maxima is 0.5 meter. Find the fringe width. Find the fringe width. It's 0.5 meter. Find the fringe width. Try it. Find the fringe width. Kiya jaye? पॉज करके ट्राई कर लो। सेपरेशन बिटवीन सेकेंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा ऑन द सेम साइड, ठीक है, ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, यहां कहीं सेकेंड मैक्सिमा यानी सेकेंड ब्राइट और फोर्थ मिनिमा यानी फोर्थ डार्क, इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है 0.5 मीटर और हमसे पूछा है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो y सेकेंड ब्राइट विल बी, बोलो n d lambda by d, n की जगह 2 रख दो 2d lambda by d, and y fourth dark, fourth minimum, fourth dark will be 2n minus 1d lambda by 2d, n की जगह 4 रख देंगे 2 4 जा 8 minus 1 7d lambda by 2d। इनका डिफरेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया और यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया, इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है 0.5, तो इन दोनों से बड़ा कौन सा है, ये हो गया 3.5, ये बड़ा हो गया। सो y फोर्थ डार्क माइनस y सेकंड ब्राइट, ये लिखेंगे y फोर्थ डार्क माइनस y सेकंड ब्राइट इज इक्वल्स टू 0.5। सो y फोर्थ डार्क इज 7d लैम्डा बाय 2d माइनस सेकंड ब्राइट इज 2d लैम्डा बाय d इज इक्वल्स टू 0.5। यहां से एलसीएम हो जाएगा 2, 2 इधर जाएगा 2, 2 इधर 4, सॉल्व कर सकते हैं आप, एलसीएम हो जाएगा 2, 2 इधर जाएगा 2, 2 इधर 4, 7 माइनस 4 3, 3d लैम्डा बाय 2d इज इक्वल्स टू 0.5। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द फ्रिंज विड्थ। अब बच्चों फ्रिंज विड्थ होती क्या है, फ्रिंज विड्थ होती क्या है, d लैम्डा बाय d होती है, यहां पे d लैम्डा बाय d दिख रहा है, इसी को निकालना है, d लैम्डा बाय d इज इक्वल्स टू 2 बाय 3 इनटू d lambda by d is equal to 2 into 0.5 हो गया 1 बटे 3, यानी कितना हो गया 0.33 meters। क्लियर भाई, क्या पूछा है, फ्रिंज विड्थ थी तो पूछा है फ्रिंज विड्थ होती क्या है, d lambda by d निकल गया, क्या दे रखा था सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा, तो सेकंड मैक्सिमा निकाल लो फोर्थ मिनिमा निकाल लो, इनका सेपरेशन देख लो, मतलब इसमें से एक में से दूसरा माइनस कर दो, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो और d लैम्डा बाय d की वैल्यू निकाल लो।
क्लियर है, नोट करें, फिर करते हैं एक और सवाल, छाप लिया, मिटा दें, आ रहा है आसान सवाल है, चलो एक बढ़िया सवाल लेते हैं, दिमाग लगाते रहना। अरे जो पहला सवाल दिया था हमने, जो पहला सवाल दिया था हमने उसकी वैल्यूज देखी थी आपने ध्यान से, पहले सवाल में हमने आपको डी कितना दिया था 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी कितना दिया था 0.5 मीटर, और लैम्डा कितना दिया था 5000 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखो, यहाँ लैम्डा डी से बहुत बहुत छोटा है, 10^-7 जा रहा होगा ये, 10^-3, इसीलिए सारी कंडीशन वैलिड थी, ये याद रखना, जितनी भी कहानी पढ़ाई तभी वैलिड है जब लैम्डा डी से बहुत बहुत छोटा हो, याद है साइन थीटा से टैन थीटा तभी बना था। चलो एक और सवाल कर ले, तो एक बढ़िया सवाल लाते हैं, पहले एक नॉर्मल सवाल कर लो, मान लो इन YDSE इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम, then first maxima is obtained at 0.2 meter from central maxima. If lambda is equals to 4000 angstrom, where will you find fourth minimum crack? अगर सिर्फ जो मोनोक्रोमैटिक लाइट थी उसकी वेवलेंथ बदल दें, 6000 से 4000 कर दें, जब 6000 थी तो पहला मैक्सिमा मिला था 0.2 मीटर पे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, कह रहा है कि अगर हम 6000 की जगह 4000 ले लें तो फोर्थ मिनिमा कहां मिलेगा, ट्राई करें पॉज करके, कर लिया पॉज करके जरूर ट्राई करें, कर लिया, चलो तो पहले हमसे कह रहा है फर्स्ट मैक्सिमा यानी वाई फर्स्ट ब्राइट कहां पे होता है, सिंपल डी लैम्डा बाई डी, कितनी वैल्यू दे रहा है 0.2 मीटर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.2 इज इक्वल्स टू डी, और लैम्डा कितना दे रखा है 6000 बाय डी, ना कैपिटल डी की वैल्यू है ना स्मॉल डी की वैल्यू है, देख रही है कैपिटल डी स्मॉल डी कुछ नहीं, इन YDSE लैम्डा इज 6000 देन फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेंड एट 0.2 मीटर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट से ये जो डिस्टेंस है 0.2 इज जो भी डिस्टेंस होते हैं सेंट्रल ब्राइट से होते हैं। इफ लैम्डा इज 4000 वेयर यू फाइंड फोर्थ मिनिमा, चलो ठीक है लैम्डा 4000 ले लेते हैं और वाई फोर्थ डार्क की बात करते हैं, फोर्थ डार्क कहां पे आएगा 7d लैम्डा बाय 2 पे, 2n-1d लैम्डा बाय 2d यही होता है डार्क का, यहां पे 4 रखोगे एक जगह 2 4 8 -1 7d लैम्डा बाय पूछ रहा है ये कितना होगा y fourth dark 7d और वेवलेंथ चेंज कर दिए इस बार, इफ लैम्डा इज 4000 तो यहां लैम्डा कितना ले लेंगे 4000 / 2d, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, पहली बार बोला जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000 तब कहां पे मिला फर्स्ट ब्राइट 0.2 पे, फिर हमसे कहा कि अगर लैम्डा चेंज करके कितना कर दें 4000 तो फोर्थ डार्क कहां मिलेगा, यही तो सवाल है, और डी और स्मॉल डी चेंज नहीं होंगे कैपिटल डी स्मॉल डी क्योंकि सेटअप वही है पूरा YDSE का, इन YDSE से पहले लैम्डा ये यूज किया, देखा फर्स्ट मैक्सिमा यहां हमने नोट कर लिया 0.2 मीटर पे, फिर वेवलेंथ बदल दी, अब पूछ रहे हैं फोर्थ डार्क कहां पे, ठीक है तो ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, डिवाइड बाय कर दो यार डी और डी कट जाएगा, इसमें से इसको डिवाइड कर सकते हैं सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाय तो आ जाएगा y fourth dark upon 0.2 is equals to 7/2 into 4000 upon 6000,
बोले यही होगा भाई, ये डी भी तो कट जाएगा ना यहाँ, इसको स्पॉन नहीं है, इसमें से इसको डिवाइड करोगे डी बाई डी कैंसिल, यहाँ से आया 7/2 इंटू 4000 और यहाँ से 6000, बस इसको सॉल्व कर लो, 0000000 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटा दो, इंटू 10 कर दो, 2 से 2 मर गया। अब बताओ वाई फोर्थ डार्क इज इक्वल्स टू, वाई फोर्थ डार्क इज इक्वल्स टू 7 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 10, सही, 7 इंटू 4 अपॉन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 बाई 3 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, 3 4s are 12, कितना आ रहा है, 3 4s are 12, और कुछ गलती हो गई क्या, 7d λ/2d, सही है, डी कैंसिल हुआ, पहले 6000 था फिर 4000, सही है, 4000/6000 सही है, वाई फोर डी अपॉन 0.2 सही है, ये कटा यहाँ पे 10, 7/2 इंटू 4000/6000, 0000 कैंसिल, 2 से 2 मर गया, 7 4s are 28, 16 × 10, फिर हमने 2 2s are 4, 2 3s are 6, 7 2s are 14/3, 3 4s are 12, 20, 3 6s are 18, 3 4s are 12, 20, 3 6s are 18, 20, 3 6s are 18, and so on upon 10. So it will be approximately 0.466 meters. 0.466 meters. बोलो आया? अच्छा, इसके बाद लेते हैं एक बढ़िया सवाल, इसको नोट करो, चलिए इसको मिटाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया है, थोड़ा दिमाग लगाना उसमें, ठीक है, तो लास्ट सवाल करा देते हैं फिर आगे चलते हैं टॉपिक। तो मान लो हमसे बोलता है इफ डी इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर, फाइंड द लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, चल फाइंड द लोकेशन ऑफ या फाइंड द डिस्टेंस कर लो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्रैक बोल दूं, फ्रॉम सेंट्रल ब्रैक, चलो बहुत ही आसान है, फर्स्ट मैक्सिमा की बात की है, बहुत ही आसान, y फर्स्ट ब्राइट इज इक्वल्स टू n d लैम्डा y d, n की जगह रख देंगे 1, d दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, d दे रखा है, कैपिटल d की वैल्यू 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 × 10⁻³, और d की वैल्यू 1 मिलीमीटर 10⁻³, तो 10⁻³ - 3 कैंसिल, 0.5 मीटर इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, जो कि गलत है। सर सही तो किया, क्या गलत है बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट ब्राइट d लैम्डा बाय d पे होना चाहिए, d की वैल्यू 1 मीटर रखी, लैम्डा की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर 10⁻³, और d की वैल्यू 1 मीटर 10⁻³, गलत क्या है, गलत ये है जरा ध्यान से देखो, इस बार लैम्डा मच 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 लेस देन d की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लैम्डा डी से बहुत बहुत छोटा नहीं है, इसलिए ये करना गलत हो जाएगा। तो YDSE का सवाल जब भी आए तो अपने आप अजम्पशन सारी लेने से पहले देख लेना, इफ लैम्डा इज मच 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 लेस देन डी, यहां पे आंसर है नो, ऐसा कुछ नहीं है, लैम्डा 0.5 मिलीमीटर है, डी 1 मिलीमीटर, अभी तक लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चल रहा था 10⁻¹ मीटर में, 10⁻³, 10⁻³, तो अब क्या करें, याद करो कहां पे कहानी चेंज हुई थी, साइन थीटा पे, छोड़ो, अच्छा ये याद है पार्ट डिफरेंस, जब भी कहानी छूटे यहां से पकड़ो पार्ट डिफरेंस से, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू कितना था, डी साइन थीटा, ये था, याद आ गया, डेल्टा एक्स डी साइन थीटा,
अच्छा क्या बोल रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा। अच्छा मैक्सिमा के लिए आपको याद है पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो हो, लैम्डा हो, टू लैम्डा हो, थ्री लैम्डा हो। देखो बेसिक कंसेप्ट नहीं पकड़ोगे अगर रट के जाओ एकदम फॉर्मूला, तो ऐसे सवाल नहीं हिला पाओगे, गलत कराओगे इसको, आप वही निकाल देते अभी, जबकि आपको दिख रहा है इसमें साफ साफ कि ये अजम्पशन वैलिड नहीं है। अब आप किताब से रट के गए थे, आपका टास्क आंसर लिखा है, आपने चेक ही नहीं किया ये वैलिड है कि नहीं। तो मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, पार्ट डिफरेंस जीरो हो, लैम्डा हो, टू लैम्डा, ये तो ब्राइट सेंट्रल ब्राइट हो गया, ये है फर्स्ट ब्राइट, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए लैम्डा के बराबर, किसके लिए, फर्स्ट ब्राइट के लिए, फर्स्ट मैक्सिमम बोला ना, तो फर्स्ट ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स कितना होगा लैम्डा। बहुत छोटा है तो ये क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी होगी, तो साइन थीटा टैन थीटा के बराबर होगा, पर ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा भाई, यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख के चेक कर लो, लैम्डा कितना है 0.5 मिलीमीटर और d कितना है 1 मिलीमीटर, कितना आ गया 1/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या छोटा एंगल है, क्या tan 30 और sin 30 बराबर होता है, नहीं होता, इसलिए यहाँ पे assumption वैलिड नहीं होगी, यहाँ पे थीटा निकालोगे इसके बाद कहानी आगे बढ़ाओगे, इसका डायग्राम थोड़ा सा याद कर लो, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट से पढ़ो, डायग्राम थोड़ा याद करो, ये S1 ये S2 याद आया, ये एंगल कितना था थीटा, ये डिस्टेंस कितना था वाई, और ये डिस्टेंस कितना था डी, याद आ गया, यहां से S1P, यहां से S2P, और यहां से हमने क्यू पॉइंट लिया था, डायरेक्ट करके पी बनाया था, ये एंगल थीटा लिया था, अब आपको थीटा मिल गया 30 डिग्री, अब आपसे क्या पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, ये रहा सेंट्रल ब्राइट और ये मान लो फर्स्ट मैक्सिमा, तो यहां से tan थीटा निकाल लो, tan थीटा किसके बराबर होगा, डायग्राम से देखो y बटे d के बराबर होगा, tan 30 की वैल्यू रख दो, खेल खत्म हो गया, tan 30 इज इक्वल्स टू y बटे d, खेल खत्म, d कितना है 1 मीटर है, tan 30 1/√3 होता है, सो y इज इक्वल्स टू y फर्स्ट ब्राइट इज इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्या नहीं लगा सकते, ये वाला कहाँ लिखूं, यहाँ यहाँ ये नहीं लगा सकते y first bright is equals to d lambda by d, गलत हो जाएगा भाई, ये assumption ये फॉर्मूला तभी वैलिड है when lambda is much much less than d, ऐसा नहीं, यहाँ पूरा प्रोसेस से चलेगा, ये कभी गलत नहीं होगा। अब इसी में सोचो लैमडा डी से बहुत बहुत छोटा होता तो ये क्वान्टिटी जीरो के बहुत पास आती, उस केस में हम बोलते हैं sin थीटा tan थीटा बराबर है, sin थीटा की जगह ही आप क्या रख देते हैं tan थीटा, tan थीटा क्या था y by d is equals to lambda by d, तो y is equals to d lambda by d आ जाता, उस कंडीशन में sin थीटा की जगह tan थीटा, y by d is equals to lambda by d, y is equals to d lambda by d, पर यहां ऐसा नहीं है, यहां पर आपने sin थीटा की वैल्यू निकाली, lambda d रख के हाफ, थीटा 30 डिग्री, अब tan tan 30 y by d, tan 30 1/√3, d की जगह 1, फर्स्ट ब्राइट आपको मिल गया, और डेल्टा एक्स को लैम्डा क्यों रखा, क्योंकि फर्स्ट ब्राइट के लिए लैम्डा, सेकंड ब्राइट के लिए 2 लैम्डा, थर्ड ब्राइट के लिए 3 लैम्डा। बोलो आ गया समझ में, नोट करो, चलिए भाई एक प्लॉट बनाते हैं इंटेंसिटी वर्सेस पार्ट डिफरेंस का, कि इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, मिटा दे इसको, चलिए मतलब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो डार्क और जो ब्राइट बन रहे हैं ये क्या एकदम मतलब जितनी दूर डार्क फ्रिंज है क्या पूरे में ही इंटेंसिटी बराबर है कि अलग है, समझ लो क्या कह रहे हैं, उन्हें भी कह रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे ब्राइट बन रहा है तो क्या पूरा उतना ही बराबर का चमक रहा होगा पूरा फ्रिंज, कि बीच में ज्यादा चमक रहा है साइड में कम, जो डार्क बना है क्या उसकी इंटेंसिटी पूरे में बराबर है कि बीच में डार्क ज्यादा धीमे धीमे कम होगा, धीमे धीमे कम ही होता है, वही हम प्लॉट देखने जा रहे हैं, ठीक है, हाँ सर प्लॉट देखेंगे फिर उस पर घर बनाएंगे, वाला प्लॉट नहीं, पहले जरा इंटेंसिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, अगर आप भूल गए हो तो याद है, अगर इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे दो सोर्सेज हैं S1 S2, तो हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम S1
S1 S2 से इंटेंसिटी जो निकल रही है वो I1 I2 है, और हम अज्यूम कर लेंगे कि I1 I2 बराबर है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया से वर्क करता है अगर दोनों सोर्सेस से आने वाली जो इंटेंसिटी है लाइट की वो बराबर हो। देखो हम लोगों ने इंटेंसिटी बराबर भी रखी है, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल सोर्स स्लिट नहीं है, एक्चुअल सोर्स तो स्लिट के पीछे है। अगर आप दोनों स्लिट्स की जो थिकनेस है उनकी जो डायमेंशन से बराबर रखोगे तो उसमें से उतनी ही लाइट निकलेगी यूनिट टाइम में। अगर दोनों स्लिट्स का डायमेंशन बराबर बनाओगे तो उसमें से उतनी ही लाइट निकलेगी यूनिट टाइम में, तो अपने आप इंटेंसिटी क्या हो जाएगी सेम। और YDSE एकदम बढ़िया से हो उसके लिए जरूरी है कि दोनों सोर्सेस S1 S2 या दोनों स्लिट्स कह लो सोर्स कह लो सोर्स ऑफ लाइट जैसा बिहेव करे शुड हैव सेम इंटेंसिटी एंड सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हमने मान लिया I1 I2 इज इक्वल्स टू I। अच्छा अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला IR इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। इंटरफेरेंस में हमने पढ़ाया था इंटरफेरेंस ऑफ वेव में। अच्छा यहां पे I1 I2 बराबर है तो IR इज इक्वल्स टू I प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 दोनों I कितना हो गया I स्क्वायर रूट के बाहर 2I cos phi। phi पता है ना फेज डिफरेंस है, I वो थीटा नहीं है, ये फेज डिफरेंस 2I प्लस 2I cos phi। यहां से 2I कॉमन हो जाएगा 1 प्लस cos phi, ये पूरा प्रीवियस लेक्चर मैंने कहा है आपको IR इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos phi को हम लोग क्या लिख देंगे, अब 1 प्लस cos phi को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर phi / 2। ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को, बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह से 1 प्लस cos phi की जगह 2 थीटा की जगह phi है तो यहां पे phi / 2 ये हो गई रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2 2 4। ये यहां लिख लेते हैं सो IR विल बी 2 2 4 I cos स्क्वायर phi / 2 ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी किसी भी गिवन पॉइंट पे व्हिच विल वेरी विद phi। phi होता है फेज डिफरेंस, phi इज नॉट थीटा, phi इज नॉट थीटा, थीटा तो एंगुलर पोजीशन है, phi होता है फेज डिफरेंस वेव का, है ना। अब phi की बात करें और बताते हैं, मान लो आपसे कोई कहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यानी मैक्सिमा है यानी ब्राइट स्पॉट बनेगा, तो ऐसे केस में phi की वैल्यू आप रख सकते हो 0। भाई ब्राइट बनेगा मैक्सिमा है यानी ये वैल्यू मैक्सिमा आनी चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। बात समझो, हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा दो सोर्स हैं S1 S2 है ना, दो सोर्स हैं इसकी इंटेंसिटी I1 इसकी इंटेंसिटी I2, फिर हमने कहा I1 I2 इज इक्वल टू I बराबर होते हैं तो बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। अभी लास्ट में ये भी बताएंगे ऐसा क्यों, लेक्चर के लास्ट में कंडीशन बताएंगे। तो फिर हमने कहा रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, ये हमने इंटरफेरेंस आपको पढ़ाया हुआ है। फिर हमने कहा इसकी वैल्यू बराबर I फिर 2I I1 I2 जगह I रखा बाहर आया फिर ये कॉमन लिया 1 प्लस cos cos पर phi, ये करते करते रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I cos square phi / 2I। रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है phi पे, phi इज फेज डिफरेंस, phi इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अब देखो मैक्सिमा पे या ब्राइट पे या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कैसी होगी मैक्सिमम। अब ये पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम तब हो सकती है जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए, phi की वैल्यू कितनी रख दो 0 निकल गया cos 0 इज 1, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आपको मिलेगी I मैक्सिमम दैट विल बी इक्वल टू 4I। और यहां पर अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखें जहां पे मिनिमा होगा इंटेंसिटी का, जहां पे डार्क होगा, तो बच्चों इस पूरी क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, cos phi की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, पर वो आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो यहां पे मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हो, तो phi की वैल्यू ले लो 90 डिग्री, 90 नहीं यहाँ पे phi आप ले लोगे 180, तभी तो 180 by 2, तो phi की वैल्यू ले लो phi 180, तो 180 by 2 कितना हो गया 90, cos 90 is 0, यहाँ पे minimum intensity 0, बोलो क्लियर। तो जो minimum intensity आएगी dark fringes जहाँ पे हैं, जहाँ पे destructive interference है, जहाँ minima है वो 0 है, और जो maximum intensity आएगी वो 4 है। अगर हम ये मान लें कि यहां से आने वाली इंटेंसिटी भी आई है और यहां से आने वाली इंटेंसिटी आई, बड़ी कमाल की बात है
कि आई आई इंटेंसिटी आ रही है और जहां पे मैक्सिमम बन रहा है वहां टू आई नहीं हो रही, फोर आई हो रही। अब यही बात शुरू में बोलते तो कोई बिलीव नहीं करता इस फॉर्मूले की वजह से, और कुछ नहीं, ये कहानी की वजह से। आई इंटेंसिटी और दोनों मिलकर टू आई नहीं बन रही है, जहां दोनों मिल रही है टू आई नहीं फोर आई बन रही है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी चार गुना हो जाएगी किसी एक सोर्स की, और डिस्ट्रक्टिव में जीरो। किसी एक सोर्स से आई आ रही है तो कंस्ट्रक्टिव में चार गुना फोर है, नोट कर लिया। अब जरा ग्राफ बनाते हैं इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस का। ध्यान से, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा ग्राफ बनेगा। इस तरफ हम इंटेंसिटी ले लेंगे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे पाथ डिफरेंस। अच्छा, कई बुक में एंगुलर पोजीशन भी दी रहती है थीटा, सब एक ही जैसी चीज है, टेंशन मत लो। यहां पे हम इंटेंसिटी लेंगे, यहां पे हम पाथ डिफरेंस लेंगे। अगर आपको याद हो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके बराबर आता है, अगर आपको याद हो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके बराबर आता है, डी साइन थीटा के। तो हम यहां पे ले रहे हैं एक्चुअल में डी साइन थीटा। हम ग्राफ बना रहे हैं इंटेंसिटी वर्सेस डी साइन थीटा से। ठीक, अच्छा, तो यहां मान लेते हैं पार्ट डिफरेंस जीरो है, यहां मान लेते हैं पार्ट डिफरेंस कहीं लैम्डा बाई टू हो रहा है, यहां आते आते पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो गया, यहां आते आते थ्री लैम्डा बाई टू हो गया, यहां आते आते टू लैम्डा हो गया। सेम कहानी इस तरफ, लैम्डा बाई टू लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2 एंड 2 लैम्डा। इंटेंसिटी जहां पार्ट डिफरेंस 0 है वहां पे कैसी होगी, मैक्सिमम 4i के बराबर। लैम्डा बाई 2 पे 0 मिनिमम होता है, लैम्डा बाई 2 पे 0 मिनिमम होता है ना, पार्ट डिफरेंस जब लैम्डा बाई 2 होगा तो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। फिर लैम्डा पे पार्ट डिफरेंस पे फिर मैक्सिमम, थ्री लैम्डा बाई टू पे फिर जीरो, टू लैम्डा पे फिर मैक्सिमा, इधर भी लैम्डा पे फिर से मैक्सिमा, थ्री लैम्डा बाई टू पे जीरो, टू लैम्डा पे मैक्सिमा। इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा इंटेंसिटी वर्सेस पार्ट डिफरेंस का। तो मैं यही बता रहा हूं कि आप ध्यान से देखो, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये तो सेंट्रल ब्राइट है, इंटेंसिटी ज्यादा, तो एक जगह पे इंटेंसिटी 4 आई है, उसके बाद धीमे-धीमे गिरते हुए 0 हुई है। तो ये बता रहा कि सेंटर में बहुत ब्राइट, धीमे-धीमे ब्राइटनेस कम हुई है ना, ये डार्कनेस का भी हाल है। यहां पे कंप्लीट डार्कनेस है, बगल में थोड़ी डार्कनेस, पे ब्राइटनेस बढ़ रही है। क्लियर है, नोट कर लें ग्राफ फॉर इंटेंसिटी वर्सेस पार्ट डिफरेंस। लैम्डा बाय 2 पे इंटेंसिटी 0 हुई, लैम्डा पे मैक्सिमम, 3 लैम्डा बाय 2 पे 0, 2 लैम्डा पे मैक्सिमम, ये ब्राइट, ये ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, ब्राइट, ब्राइट। क्लियर है, नोट कर लें, मिटा रहे इसको। चलिए लास्ट टॉपिक उठाते हैं, कंडीशंस फॉर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस, मतलब बढ़िया इंटरफेरेंस हो, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड लिख लो, डिस्टिंक्ट लिख लो, डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस मतलब मस्ट इंटरफेरेंस होने की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हम फिर से करेंगे। पहली कंडीशन, कोहेरेंट सोर्सेस, शायद पहले भी मैंने नाम लिया था कोहेरेंट सोर्सेस। ये जो S1 S2 जो कि सोर्स जैसे बिहेव कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्सेस, सोर्स ऑफ लाइट जैसे तो बिहेव कर रहे हैं, पीछे से एक सोर्स से लाइट आ रही, शुड बी कोहेरेंट। S1 and S2 must be coherent. बच्चों, coherent sources क्या होते हैं?
those sources which have a constant phase difference which does not vary with time at a given place. अब किसी को बहुत डिटेल में समझना है कोहेरेंट सोर्सेस तो यूट्यूब पे टाइप करें इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स वेव ऑप्टिक 03 फिजिक्स वाला और उस लेक्चर के 30 मिनट पर जाकर अपने वीडियो को देख लें। वहां पे कोहेरेंट सोर्सेस हमने 10-12 मिनट में पूरा डिटेल में समझाया क्या होता है एग्जैक्टली। और डेफिनेशन पकड़नी है तो ये डेफिनेशन है दो सोर्सेस व्हिच हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस which does not change with time, जो phase difference है वो time के साथ change नहीं हो at a given place, ऐसे sources को coherent sources बोलते हैं। coherent बनाने का तरीका क्या होता है? दोनों waves की frequency same कर दो। मतलब ये in short ये कह रहा है, सुन लो ध्यान से, कि यहाँ पे जो phase difference हो, वो समय के साथ change ना हो, phase difference phi not theta, phi की जो बात हो। जो फाई हो जो फेज डिफरेंस हो दो वेव का I1 और I2 का जो इंटेंसिटी का फेज डिफरेंस हो वो टाइम पे डिपेंड ना करे ये कैसा रहे कांस्टेंट विद टाइम। मतलब एक बार यहां पे ब्राइट फ्रिंज बन गई तो यहां हमेशा ब्राइट ही रहे कभी डार्क ना बने। अगर फाई टाइम के साथ चेंज होने लगा तो यहां पे इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज होने लगेगी ये तो बोल रहा फाई रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम। अगर phi time के साथ change हो गया, ये तो बोल रहा है ना, the sources which have a constant phase difference, which does not vary with time at a given place, तो phi होता है phase difference, constant with time, अगर phi time के साथ change हुआ, तो intensity time के साथ change होगी, by resultant intensity का formula क्या है, IR is equals to 4I cos square phi, तो अगर phi time के साथ change हो गया, phase difference time के साथ change हो गया, at a given place, at a given place अगर ये change हो गया तो resultant intensity change करेगी और resultant intensity change करेगी क्या पता यहाँ zero हो जाए तो कभी यहाँ bright बना कभी bright कभी dark तो कोई बढ़िया interference थोड़ी ना। हम तो चाहते हैं जहाँ bright है वहाँ bright जहाँ dark है वहाँ dark हमेशा दिखता रहे ऐसा ये बीच में bright बगल में dark फिर bright फिर dark हमेशा दिखता रहे ऐसे नहीं कि वहीं पे bright dark कुछ दिखाई भी नहीं पड़ेगा इतनी तेजी से change होगा ना bright dark कि हमारे यहाँ perceive भी नहीं कर पाएगी। क्लियर है? सो दो सोर्सेस विच हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस विच डज नॉट वेरी विद टाइम जो फाई होता है फेज डिफरेंस दोनों के बीच का ये कांस्टेंट रहेगा और टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। ये टाइम के साथ चेंज करेगा तो यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी चेंज करेगी तो यहीं पे मैक्सिमा और यहीं पे मिनिमा दोनों देख सकता है जो कि हम नहीं चाहते। देखो इसको करने का तरीका ये होता है जो कि दूसरी कंडीशन बताएंगे हम। इसको करने का तरीका ये होता है दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो वही हम लिखने जा रहे हैं द frequencies of both sources of both light sources must be same nearly same नहीं लिखा है ध्यान देना must be same एकदम same होनी चाहिए the frequencies of both light sources must be same है ना f1 should be equal to f2 ये आपने पढ़ रखा हो omega1 should be equal to m2 ये omega और ये होता है तो ये होता है ये भी याद रखो। coherent करने का तरीका ही यही है कि frequency same कर दो coherent हो जाएंगे। क्लियर? अगर मान लो एग्जाम पूछ लिया how will you make two coherent sources पहले तो पूछ लेगा what are coherent ये बहुत आता है मैं बोल रहा हूँ ना आप प्रीवियस वीडियो में चले जाओ वेव ऑप्टिक 03 इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स फिजिक्स वाला वेव ऑप्टिक 03 इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स फिजिक्स वाला उसमें जाके 30 मिनट पे वीडियो को स्टार्ट करो वहां पर बढ़िया से कोहेरेंट सोर्स समझाया हुआ है। क्लियर है? दो पॉइंट हो गए पहला कोहेरेंट सोर्सेस और दोनों फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव्स शुड बी सेम फ्रीक्वेंसी सेम होने से ही कोहेरेंट होता भी है ये भी बता दिया हमने। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट amplitude of both waves
या बोथ लाइट सोर्सेस मस्ट बी सेम और नियरली सेम, यहां दोनों में काम चल जाएगा, या तो सेम हो या नियरली सेम हो। ये कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो पहली वेव का है वो दूसरी वेव के करीब करीब बराबर हो। इन शॉर्ट आप इसको इंटेंसिटी भी समझ सकते हो कि इंटेंसिटी फर्स्ट वेव की करीब करीब दूसरी वेव के बराबर हो। अभी हमने वही ली हुई थी आई वन इक्वल टू आई टू करके आई लिया था ना, तो वो जरूरी होता है बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। अरे यार एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो इंटेंसिटी बराबर होगी ना, इंटेंसिटी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड बराबर हो गए तो इंटेंसिटी बराबर होगी, या तो बराबर हो या करीब करीब बराबर हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, मान लो बराबर नहीं है, चलो दिखाते हैं क्या होगा। ए वन ए टू की कुछ वैल्यूज उठाते हैं, मान लो ए वन की वैल्यू है 100, ए टू की वैल्यू है सपोज कर लो 10, बराबर नहीं है ठीक है। यहाँ मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ मान लो डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में जो नेट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है ए वन प्लस ए टू, और डिस्ट्रक्टिव में जो होता है वो होता है ए वन माइनस ए टू। बहुत सिंपल है एम्पलीट्यूड का, इंटेंसिटी जितना कॉम्प्लेक्स नहीं, बड़ा सिंपल है। ए वन प्लस ए टू, ए वन माइनस ए टू। आ जाओ 100 है यहाँ 10 है, तो कंस्ट्रक्टिव में कितना होगा 110, और डिस्ट्रक्टिव में कितना होगा 100 और 10 90। यार 110 और 90 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही ब्राइट दिखेंगे। एक जगह ज्यादा ब्राइट होगा, एक जगह कम ब्राइट होगा, वो मजा नहीं आया। अब जरा देखो बढ़िया, मान लो इसका 100 ले लें और इसको मान लो 99 ले लें, सेम या नियरली सेम, बोला नियरली सेम हो गया। अब ए वन प्लस ए टू 199, ए वन माइनस ए टू 1। अब बोलो कंस्ट्रक्टिव में 199 एकदम चमकता हुआ ब्राइट, और डिस्ट्रक्टिव में एक एकदम डल डार्क, समझे। तो इसीलिए एम्पलीट्यूड सेम हो या नियर सेम हो तो क्या ही बात है, जैसे मान लो ये 100 और ये भी 100, अब कंस्ट्रक्टिव में कितना हो जाएगा 200 और डिस्ट्रक्टिव में 0, लो एकदम डार्क 0, वहां पे इंटेंसिटी है ही नहीं, खत्म डार्क, और यहाँ पे 200 एकदम चमके, क्लियर है। तो या तो सेम हो या नियरली सेम हो, जिससे ब्राइट और डार्क में डिफरेंस समझ में तो आए। आपने तो इतना डिफरेंस ले लिया, समझ में नहीं आ रहा कंस्ट्रक्टिव पे 110 डिस्ट्रक्टिव पे 90, क्या समझ में आ, वहां ज्यादा ब्राइट वहां थोड़ा कम ब्राइट, पता ही नहीं चलेगा, ऐसा मिला हुआ सा लगेगा पूरा, ब्राइट कम ब्राइट, ज्यादा ब्राइट कम ब्राइट, कुछ पता नहीं चला। ऐसा हो एकदम कंट्रास्ट, एकदम चटाक, यहाँ पे ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट 199 डार्क 1, ब्राइट 200 डार्क 0। तो इधर इट्स सेम, इट शुड बी सेम, और नियरली सेम से भी काम चलेगा, बट फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। बच्चे ना रट के जाते हैं पेपर में, इसलिए गलती करते हैं। फ्रीक्वेंसी 100% सेम होनी चाहिए, तभी कोहेरेंट सोर्स बनते हैं। एम्पलीट्यूड की कहानी अलग है, एम्पलीट्यूड कैन बी सेम और नियरली सेम। 100 और 98 भी ले सकते थे, यहाँ 198 वहां पे 2 आता, चल जाता, क्लियर बेटा रे। तो ये हुई था, हाँ, तो फोर्थ कंडीशन अपनी ये है कि d should be much 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 greater than small d। ये जो अपना डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स है वो बहुत बहुत बड़ा हो, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स से, ठीक है। ये डी किसमें होता है, मिलीमीटर में, और कैपिटल डी किसमें होता है, मीटर्स में, यानी उससे काफी काफी बड़ा हो। एक कंडीशन यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि जो स्लिट्स का डायमेंशन हो वो लाइट के वेवलेंथ के पास हो, मतलब बहुत छोटी स्लिट हो, है ना, जो होल्स बने बहुत ही थिन हो, बहुत ही थिन स्लिट हो। पांचवी कंडीशन है मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स इज यूज्ड, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक मतलब
सिंगल कलर की लाइट यूज करनी है, है ना। मतलब जैसे रेड कलर की यूज कर लो, वायलेट कलर की यूज कर लो, ग्रीन कलर की यूज कर लो, एक ही कलर की लाइट यूज करनी है। इससे फायदा क्या होगा कि जो वेवलेंथ होंगी लाइट की, जो वेवलेंथ होंगी वो फिक्स होगी, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा होगा, है ना। अब जैसे रेड भी लोगे तो उसमें कुछ मान लो 7600 एंगस्ट्रॉम है, कुछ 7500 एंगस्ट्रॉम है, तो 100 का ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि उसमें रेड भी है वायलेट भी है, कोई 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है, कोई 7600 की एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है, ऐसा नहीं है। 5000 का डिफरेंस चल सकता है, एक रेंज ऑफ वेवलेंथ चल सकती है 5000 के अंदर, है ना। रेड में ऐसा थोड़ी ना कि रेड कलर की सारी लाइट की वेवलेंथ एकदम फिक्स है, ना रेड कलर की भी एक रेंज होती है, यहां से यहां तक रेड है इतनी वेवलेंथ में, तो उतना रेंज चलेगा। पर ये नहीं कि 3-4 कलर ले रखे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, है ना, 4000 से लेके 5000 एंगस्ट्रॉम तक की सारी वेवलेंथ है, तब बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सिंगल कलर की लाइट आप यूज करो, तब आपको एक डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस मिलेगा। जैसे आपने रेड कलर यूज किया तो एकदम सेंटर में आपको मिलेगा सेंट्रल रेड ब्राइट स्पॉट, उसके बाद डार्क डार्क, फिर ब्राइट स्पॉट रेड कलर का, फिर डार्क डार्क, फिर ब्राइट स्पॉट रेड कलर का। जैसे आपने वायलेट यूज किया तो सेंट्रल में आपको मिलेगा एकदम बढ़िया वायलेट ब्राइट स्पॉट, उसके बगल में डार्क डार्क, फिर वायलेट ब्राइट, फिर डार्क डार्क, समझ लो उस कलर का ही ब्राइट और उसका ही डार्क बनता जाएगा। उस कलर की एक जगह प्रेजेंस ज्यादा होगी, एक जगह प्रेजेंस नहीं होगी, ठीक है। अब 3-4 कलर ले को तो वहां पे इतना बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। अभी बताते हैं क्या होगा कि अगर आप व्हाइट लाइट यूज कर लो, मोनोक्रोमेटिक की जगह व्हाइट लाइट, अभी बता रहे हो, यहां तक नोट करो पहले, क्लियर है। सिंगल कलर की लाइट तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी, पहली पढ़ी कि कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, ऐसे सोर्सेज विच हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस विच डज नॉट वेरी विद टाइम एट अ गिवन प्लेस। करने का तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्सेज की सेम कर दें। करने का तरीका वैसे एग्जाम में ये लिखोगे, हाउ विल यू मेक कोहेरेंट सोर्सेज का आंसर ये लिखोगे, हम क्या करते हैं एक सोर्स दो सोर्स, हम दो सोर्स लेते ही कहा, हम तो एक ही सोर्स लेते हैं, ये तो किया था हमने, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रख दिया था, ये रेस क्या हो गई थी, पैरेलल हो गई थी, है ना। सोर्स को हमने कहाँ रखा था, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा था, रेस पैरेलल हो गई। अब देख कहने को ये दो सोर्स है बट एक्चुअल में तो रेस एक ही सोर्स से आ रही और फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। ये बात याद रखना, किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। वेवलेंथ हो गया, वेव स्पीड हो गया, ये सब मीडियम पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ हो गया, वेव स्पीड हो गई, ये मीडियम पे डिपेंड करती है, बट फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे, है ना। अब यहां से मान लो कोई वेव निकली, यहां से वेव निकली, इसकी फ्रीक्वेंसी F1, इसकी फ्रीक्वेंसी F2, पर ये दोनों ही वेव्स आ कहां से रही हैं, S से, सेम सोर्स से, तो फ्रीक्वेंसी अपने आप सेम हो गई, और फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो अपने आप ही कैसे सोर्स हो गए, कोहेरेंट सोर्स। तो ये भी एक चीज याद रखना, एग्जाम में पूछेगा कि हम कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाते हैं, तो आप बोलोगे कि एक सिंगल सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, एक ही लाइट सोर्स लेंगे, दो अलग अलग नहीं, एक ही लेंगे, उसी को स्प्लिट करके दो में बांट देंगे, अपने आप फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी फ्रीक्वेंसी सेम, तीसरी आपने पढ़ा एम्पलीट्यूड सेम और नियरली सेम, चौथा आपने पढ़ लिया डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, पांचवी आपने पढ़ी मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड। ये लिख लिया कोहेरेंट सोर्स बनाने का तरीका। अच्छा, अब इसी में सवाल आता है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट ना यूज करें तो, भाई अगर सिंगल कलर की लाइट यूज की रेड रंग की तो ठीक है, चलो बीच में ब्राइट रेड है, अगल बगल डार्क है, फिर ब्राइट रेड है, ठीक है। क्या हो, बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, क्या हो अगर हम व्हाइट लाइट यूज कर लें, व्हाट विल हैपन if white light is used in YDSE, ठीक है, बड़ा ही फेमस सवाल है। अब इसका आंसर किताब में बड़ा सिंपल लिखा रहता है, a central white spot is formed followed by a diffused interference on both sides of central white। ये क्या है वो समझाते हैं, हुआ क्या, थोड़ा कंसेप्चुअल आंसर सुन लो। ये मैंने बना लिया स्लिट S1, S2, ये सोर्स,
ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं है, इसमें से व्हाइट लाइट निकल रही है जिसमें सारे रंग है, ठीक है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस रखा होगा, रेस पैरेलल होगी वगैरह वगैरह। अच्छा मोनोक्रोमेटिक तो नहीं है, ठीक है, इसमें से सारे रंग निकल रहे हैं, यहाँ से रेस पैरेलल होगी, एक सोर्स पे जा रही है, सॉरी अब S1 S2 पे जा रही है, यहाँ मान लो स्क्रीन है। चलो बच्चों इस पॉइंट को देखो, सेंट्रल पॉइंट को, यहां से व्हाइट लाइट आई, यहां से व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर है, क्या सभी कलर ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया है? बिल्कुल। क्या सभी कलर ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया है? बिल्कुल, है ना। तो यहां का वायलेट और यहां का वायलेट बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वायलेट वायलेट का पाथ डिफरेंस जीरो, यहां का रेड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो पाथ डिफरेंस जीरो। तो इस जगह पे आप देखो सभी कलर का पाथ डिफरेंस जीरो होगा, यहां से वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड आए, कोई पाथ डिफरेंस नहीं, जीरो। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, सारे कलर वापस मिल गए, फिर से हमें व्हाइट लाइट, तो यहां मिलेगा सेंट्रल व्हाइट ब्राइट, ठीक है, चमकता हुआ सेंट्रल व्हाइट आपको मिल गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, इधर का वायलेट बराबर पार्ट ट्रेवल किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इधर का रेड बराबर पार्ट ट्रेवल किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किसी भी दो कलर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, वायलेट का वायलेट से कंस्ट्रक्टिव, रेड का रेड से, ग्रीन का ग्रीन से, यहां का सारे कलर मिले, व्हाइट बन गया। चलो ठीक है। अच्छा सेंट्रल ब्राइट के बगल में क्या होता है? डार्क, ऊपर भी नीचे भी। अच्छा एक बात बताओ, जो फर्स्ट डार्क होता है उसका फॉर्मूला क्या था? y फर्स्ट डार्क का d लैम्डा / 2d। जरा ध्यान से देखो, डार्क स्पॉट की लोकेशन वेवलेंथ पर डिपेंड करती है और सभी कलर ऑफ लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है। रिव्यू में आप ध्यान से देखो तो इस तरफ जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज करती है, वायलेट की वेवलेंथ लीस्ट, रेड की वेवलेंथ मोस्ट। जो डार्क स्पॉट बन रहा है वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी सबका डार्क स्पॉट एक जगह पे नहीं बनेगा, पहले उसका डार्क स्पॉट बनेगा जिसकी वेवलेंथ छोटी है, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका डार्क स्पॉट पास बनेगा। वेवलेंथ सबसे छोटी किसकी है? वायलेट की, यानी यहां सबसे क्लोज डार्क होगा फॉर वायलेट। कितनी दूरी पे? डी लैम्डा फॉर वायलेट बाई 2d। यहां रेड का डार्क नहीं आया, रेड का डार्क तो और आगे होगा क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट की वेवलेंथ छोटी थी उसका डार्क स्पॉट पहले आ गया। अच्छा जहां पे वायलेट के लिए डार्क होगा वहां पे आपको रेडिश व्हाइट दिखेगा, सो सेंट्रल व्हाइट उसके बाद रेडिश व्हाइट, ऐसी धीमे करते 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 आप यहां पहुंचे, यहां पर डार्क फॉर रेड आ गया, d lambda red by 2d, इतना डिस्टेंस ऊपर गए, वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन वायलेट, यहां जाते थे डार्क फॉर रेड, और जहां रेड का डार्क आया वहां पे आपको दिखेगा ब्लूइश व्हाइट, ब्लूइश व्हाइट, और इसके बाद ऊपर आपको सिर्फ व्हाइट दिखाई पड़ेगा। सेम यहां पे नीचे पहले रेडिश व्हाइट और उसके बाद ब्लूइश व्हाइट और उसके बाद सिर्फ व्हाइट। सो ये डिटेल पूरे में कहानी बताई, असल में किताब में लिखा होता है सेंट्रल व्हाइट स्पॉट या सेंट्रल व्हाइट फ्रिंजेस फॉर्म फॉलोड बाय डिफ्यूज्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन बोथ साइड्स। हमने डिटेल बताया कि सेंट्रल व्हाइट बनेगा, उसके बगल में डार्क होता है, पर सभी का डार्क एक साथ नहीं बनेगा क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है, डार्क स्पॉट की जो पोजिशन है वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। सबसे छोटी वेवलेंथ वायलेट की है, तो सबसे पहले वायलेट का डार्क, जहां वायलेट का डार्क होगा तो व्हाइट लाइट में से वायलेट खत्म हो जाएगी, वायलेट इंडिगो ब्लू कम हो जाएगी, ये वाला पोर्शन बढ़ जाएगा तो कुछ रेडिश व्हाइट जैसा दिखाई पड़ेगा, व्हाइट में से वायलेट हट गया, रेड का कंपोनेंट ज्यादा है। थोड़ी दूर आगे जाके क्या होगा? रेड का डार्क आएगा तो व्हाइट लाइट में से रेड कैंसिल हो गया, रेड के लिए डार्क स्पॉट है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बाकी कलर डोमिनेंट है व्हाइट के साथ, तो ब्लूइश व्हाइट, दोनों तरफ ऐसा ही हुआ, रेडिश व्हाइट ब्लूइश व्हाइट और उसके बाद व्हाइट स्पॉट दिख रहेगा। ये होगा व्हेन वी यूज व्हाइट लाइट, नोट कर लें। एक और क्वेश्चन आ सकता है, आसान देखो, असली क्वेश्चन तो ये था,
एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट विल हैपन, एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, वायलेट मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड मोनोक्रोमैटिक लाइट इन YDSE, क्या मिलेगा आपको? सिंपल सा आंसर है, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। ऐसा क्यों? जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाई डी। वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज इस तरफ जाने पे वेवलेंथ बढ़ती है, तो आपने वायलेट हटा के रेड मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड की फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, यानी रेड लाइट जब यूज करोगे तो मोटे मोटे फ्रिंज बनेंगे, वायलेट लाइट यूज करोगे तो लैम्डा की वैल्यू छोटी होगी, पतले पतले फ्रिंज बनेंगे। क्लियर है? तो YDSE का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में शायद फिर से YDSE के थोड़े से कॉन्सेप्ट और लेके आए, कि अगर YDSE में हम बीच में ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो पार्ट डिफरेंस कैसे चेंज होगा, इस तरह की बातें कर लेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।